हेलो गाइस वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल माय नेम इज़ मनीष गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बी लेक्चर्स तो गाइस आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जैसा कि हमारा सब्जेक्ट कोड है बी जेड वाई सी टी वन थ्री वन यानी अब हम जूलॉजी की क्लास ले रहे हैं जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो देन बुक का नाम हमारा हो गया एनिमल डाइवर्सिटी एंड हम पढ़ रहे थे यूनिट वन जिसका नाम था एनिमल लाइक -like, प्रोटेस्टिस प्रोटोजोन्स यानी असिलोमेट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे तो जो भी असलोमेट्स हैं वो आ, क्या कहते हैं उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे थे देन हमारा फर्स्ट पार्ट कवर हो गया था फर्स्ट पार्ट में हमने प्रोटोजोन्स के बारे में एक तरीके से इंट्रोडक्शन पढ़ा था एंड देन सेकंड पार्ट में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा कि प्रोटोजोन को किस तरीके से किन किन बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट क्राइटेरिया था जैसा कि हमने ये भी सीखा कि प्रोटोज़ोन के लिए कोई स्पेसिफिक क्लासीफिकेशन नहीं है क्योंकि ये क्या है आ, ये क्लोजर टू फंगाई भी है किसी के, किसी केस में क्लोज़र टू एनिमल्स भी है तो कहने का मतलब है ये जो प्रोटोज हुआ है प्रोटोजोन है वो क्या है उसका थोड़ा क्लासिफिकेशन अदर क्लासिफिकेशन से थोड़ा सा डिफरेंट है तो जिन जिन ने पार्ट वन एंड पार्ट टू नहीं देखा है अभी तक तो वो जाके फटाफट पहले प्रीवियस वीडियोज़ को वॉच करें देन उस उसके बाद इस वीडियो पे आए क्योंकि जब आप पिछला वीडियो देख के आएंगे तो देन तभी आपको क्या है सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी तो देन गाइस बात करते हैं हम ये जो हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड और फंक्शन तो ये वाला हमारा टॉपिक रहने वाला है तो उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है गुजारिश है कि जो भी बच्चे वीडियो को देखने आते हैं यहाँ पढ़ने आते हैं क्लास अटेंड करने आते हैं तो उन सबसे ये गुजारिश है कि वो कृपया करके वीडियोज़ को पूरा देख के जाएँ ठीक है क्योंकि अब आ रहा है एग्जामिनेशन का टाइम एंड देन आप अच्छे से होल बुक को रीड करके नहीं जाएंगे तो देन आपको क्या है कि कुछ समस्याएं फेस करनी पड़ सकती है जैसे कि आ, कुछ भी अगर आ गया बुक के किसी भी कोने से तो देन आप उसे नहीं कर पाओगे ठीक है तो आप मेरी क्लास को पूरा देखें पूरा समझें एंड देन आप सभी को मतलब स्लो थोड़ा सा दिक्कत है तो देन आप वीडियो को क्या है फास्ट फॉरवर्ड में भी करके देख सकते हैं तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले फटाफट जाके सब्सक्राइब करिए चैनल हमारा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी को सबसे पहले मिल सके देन स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस के बारे में कि किस प्रकार से प्रोटोजोन्स जो है वो किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर होता है या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है या उसका फंक्शन होता है ठीक है तो अब तक हमने इस यूनिट में क्या क्या पढ़ लिया तो उसके ब्रॉड क्लासीफिकेशन के बारे में पढ़ लिया हमने एनिमल लाइक प्रोटेस्ट और द प्रोटोजोन्स के बारे में हमने पढ़ लिया जिसके जिसको हम क्या प्रोटोजोन्स भी बुला रहे हैं प्रोटेस्ट ना बुला के हम प्रोटोजोन्स uh, भी हम कह रहे हैं तो देखिए क्या इस सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे तो इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे उसके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे ठीक है कि किस प्रकार से प्रोटोजोन्स का स्ट्रक्चर होता है एंड किस प्रकार से वो फंक्शन uh, करते हैं हम बात करें ये जो यूक्रियोटिक फॉर्म ऑफ क्या है जो ग्रुप बनाते हैं ये प्रोटोजोन्स लगभग लगभग ये नाइन्टी थाउजेंड से भी ज़्यादा मिल जाएंगे आपको क्या है नाइन्टी थाउजेंड से ज़्यादा नाम वाले स्पीशीज मिल जाएंगे जो कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं बात करें हम हाफ ऑफ दी स्पीसीज यानी इनमें से क्या है आधी स्पीसीज जो है वो क्या है नॉन ओनली एज़ फॉसिल्स यानी सिर्फ और सिर्फ वो फॉसिल्स के नाम से ही जाने जाते हैं फॉसिल्स के फॉर्म में ही क्या है एग्जिस्ट करते हैं हम बात करें दे अकोर इन ऑल हैबिटेट्स क्या है ये जो ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोन्स प्रोटोजोन्स आपको क्या है हर हैबिटेट में आपको मिल जाएंगे ठीक है जैसा कि आपका क्या हो गया मरीन हो गया और क्या क्या हो गया गाइज आपका फ्रेश वाटर हो गया और क्या क्या गाइस हो गया अः एंड देन टेरेस्टेरियल हो गया टेरिस्टेरियल भी हो गया आपका ठीक है तो ये सारे जितने भी क्या हैं इन्वायरमेंट है, है आ, क्या कहते हैं हैबिटेट है इनमें आपको क्या है देखने को मिल जाएंगे हाँ एक और है आपका क्या है सोइल है सोइल में भी आपको क्या है प्रोटोजोन्स आपको मिल जाएंगे देन बात करें अबाउट ट्वेंटी फाइव पार्टिसिपेंट इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन यानी क्या मैंने बताया कि 90,000 थाउजेंड में से आधे क्या थे जो फॉसल्स के रूप में रहते हैं फॉसल्स के फॉर्म में होते हैं या फॉसल्स हैं उनके अवेलेबल एंड देन बात करें ट्वेंटी फाइव पार्ट परसेंट या पार्टिसिपेट जो हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं यानी नाइन्टी थाउजेंड में से उसके जो एक चौथाई वन फोर्थ पार्ट है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ रहते हैं यानी किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के साथ क्या है फूड एंड सेल्टर क्या करते हैं गाइज क्या करते हैं शेयर करते हैं जो फूड एंड सेल्टर शेयर करता है वो क्या होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है जैसे कि हमारा एक एग्ज़ाम्पल हुआ करता था फंगई एंड एल्गी का वो क्या था कि एक दूसरे से सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता था उसी प्रकार से

मॉल जो है आपका ये जो प्लाज्मोडियम जो होता है ये क्या है आपका ये जो मलेरिया जो क्या है एक तरीके से कैरियर होता है क्या होता है गाइस कैरियर होता है जो कि कैरी करके रखता है एंड देन जैसे ही क्या है ये, ये ह्यूमन के संपर्क में एक तरीके से कनेक्टिविटी में आता है तो वो ह्यूमन के अंदर क्या कर देता है अपने आ क्या कहते हैं एक तरीके से जो इंजेक्ट ब्लड के जब वो एब्जॉर्व करने आता है मतलब एक तरीके से ब्लड खींचने जब आता है ना तो देन वो क्या करता है वो अपने के स्टिंग के थ्रू स्टिंग के थ्रू क्या कर देता है इंजेक्ट कर देता है क्या प्लाज्मोडियम एंड देन वो जो प्लाज्मोडियम जो होता है एक तरीके का डेडली पैरासाइटिक डिजीज कैरी करके रखता है जो कि जैसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर जाते ही वो क्या है एक तरीके से अपनी आबादी पॉपुलेशन इंक्रीज करने लगता है एंड देन जो व्यक्ति है वो डेडली ह्यूमन डिजीज में एक तरीके से जकड़ जाता है तो आप सभी को मालूम होगा और याद रखिएगा ये जो प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियलोल्ड है ये ऑलवेज क्या है दो होस्ट को कैरी रखते हैं तो सबसे पहला आपका हो गया मलेरिया मच्छर हो गया क्या है मलेरिया मच्छर जो हमने पिछले क्लास में हमने बात करी थी क्या है सबसे पहले ये मॉस्क्यूटो पहला कैरियर जो है ये मॉस्क्यूटो में होता है ये मॉस्क्यूटो या मैं बोलूँ होस्ट की बात करूं एंड दूसरा क्या हो गया ह्यूमन हो गया क्या हो गया ह्यूमन हो गया दूसरा उसका जो होस्ट है ह्यूमन होता है ठीक है हम बात करें यूनिसेलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की वो क्या है ओनली द करेक्टर ऑफ कॉमन टू द मेंबर ऑफ प्रोटोजोआ ठीक है यूनिसेलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिंपली अगर हम बात करें प्रोटोजोन्स की तो वो क्या होते हैं यूनिसेलर और क्या होता है उसमें यूनिसेलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है यानी एक ही सेल के अंदर आपको सारे फंक्शन होते हुए दिख जाएंगे जैसे कि ह्यूमन है ह्यूमन में क्या है वेरियस ऑर्गन होते हैं जिसके थ्रू क्या है डिफरेंट

एक अदर रिस्पेक्ट से देखें तो वो क्या है इसमें आपको क्या है एक्सट्रीम डायवर्सिटी देखने को मिलेगा यानी अलग अलग प्रोटोजोन्स में प्रोटोजोआ में आपको क्या है डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने को मिलेगा हम बात करें मेजोरिटी ऑफ प्रोटोजोन्स की तो मेजोरिटी ऑफ ग्रेट मेजोरिटी ऑफ प्रोटोजोन्स क्या होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं यानी जिन्हें हम क्या है माइक्रोस्कोप की सहायता से ही हेल्प से ही हम देख सकते हैं हम इनके साइज़ की बात करें तो साइज आपको क्या है वन माइक्रोन से ले कर द केस ऑफ प्लैंगटोनिक माइक्रोमनाज क्या है अगर हम अलग केस ले जो कि प्लैंक्टॉनिक होते हैं माइक्रोमनाज होते हैं जो कि क्या होते हैं फ्रीली क्या कहते हैं वाटर में मूव कर रहे होते हैं तो वो आपको क्या है फ्यू मिलीमीटर्स मिल जाएंगे आपको क्या है फ्यू मिलीमीटर एन द साइज ऑफ फ्यू मिलीमीटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे हम बात करें अमीबा की बात करें तो अमीबा और क्या है सिलियट वो एग्जिबिट करते हैं ऑल टाइप ऑफ सिमेट्री यानी उसमें क्या है सभी तरह की सिमेट्रीज आपको देखने को मिल जाएगी है ना देखिए उसके बाद क्या है रेडियल सिमेट्री वगैरह वगैरह जो होती है सिमेट्रीज वगैरह तो वो आपको क्या है इसमें आ, अमीबा में आपको आ, और सिलिट्स में आपको ऑल टाइप्स ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिल जाएगी हम बात करें ग्रेट रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें इन देयर माइक्रो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें क्या है माइक्रो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में आपको क्या है ग्रेट कॉम्प्लेक्सिटी मिल जाएगी बहुत ही ज्यादा जटिलता क्योंकि आप सिंपली ये समझिए कि कोई किसी काम को हम क्या है वेरियस ऑर्गन्स में परफॉर्म करते हैं जैसे ह्यूमन बॉडी का ही एग्जाम्पल ले लें उसी प्रकार से आपका जो प्रोटोज हुआ है वो सिंगुलर सेल या मैं बोलूँ सिर्फ और सिर्फ एक सेल के अंदर क्या है एक तरीके से पूरे के पूरे परफॉर्मेंस को परफॉर्म करता है इसलिए आप में क्या है उसमें उस उस प्रोटोजोन्स uh, में या प्रोटोजोआ में सीलेट या अमीवा में आपको क्या है बहुत सारी आपको क्या कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी तो देखिए क्या लेटेस्ट नाउ कंसीडर इन दिस यूनिट हम इस यूनिट में कंसीडर करेंगे कि विद द सिंगल सेल प्रोटेस्टन बॉडी प्लेन इज यूज बाई इट्स प्रोटोजोन मेंबर टू बिकम अ कैपेबल ऑफ एडेप्टिंग वेरियड हैबिटेट जो प्रोटेस्टन बॉडी प्लेन है एक तरीके से हम इसे यूज करेंगे प्रोटोजोन मेंबर के लिए एंड uh, देन उसकी जो कैपेबल है मतलब वो जो कैपेबिलिटी अडप्ट करता है वो क्या करता है अपनी बॉडी के ही थ्रू अपने बॉडी प्लेन के ही थ्रू वो क्या है एक वेरियस टाइप ऑफ हैबिटेट में वो एक तरीके से परफॉर्म कर पाता है कैपेबल हो पाता है वहाँ पर एक तरीके से जी पाता है, है? ऐसा समझ सकते हैं हम एंड देन बात करें हम बॉडी फॉर्म की बात करें तो देन ये देन देखिए बॉडी फॉर्म की बात कर रहे हैं हम तो प्रोटोजोन बॉडी जो होता है आपका इज यूज़ुअली बाउंड ओनली बाय द सेल मेम्ब्रेन क्या है कि प्रोटोजोन है या प्रोटोजोआ इस तरीके से मैं कर दूं तो वो क्या है वो सिर्फ और सिर्फ सेल मेम मतलब जो घिरा होता है वो किसके थ्रू होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है घिरा होता है ठीक है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वो गिरा होता है जिसको हम एक तरीके से क्या कहते हैं प्लाजलैमा भी कहते हैं क्या कहते हैं प्लाज्मा लैमा भी कहते हैं प्लाज्मा प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं एंड देन देखिए क्या है कुछ जो प्रोटोजोन्स होते हैं जैसे कि सिलेट्स की बात करें सीलेट्स कहने का मतलब है इस तरीके से इस तरीके से आपका सिलेट्स होता है यानी पैरामीशियम जो है आपका क्या सिलेट्स का एक वेल नोन एग्जाम्पल है तो ये देखिए कुछ सीलेट्स हैं आपके इसमें आपको माइक्रो न्यूक्लियस और या न्यूक्लियस दोनों मिल जाएगा है तो देखिए गाइज सिलेट्स की बात करें तो इसमें क्या है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाएगी इसकी बॉडी की जो कि मेंटेन किसके द्वारा होती है तो इसके साइट साइटो स्केलेटन द्वारा होती है साइटो स्केलेटन द्वारा होती है लोकेटेड इमेडिएटली बिलो द सेल मेम्ब्रेन जो कि कहाँ पे लोकेट होता है तो जस्ट ये लोकेट होता है जस्ट सेल मेम्ब्रेन के आपको क्या है नीचे मिल जाएगा यानी आउटर कवर आपका क्या हो गया सेल मेम्ब्रेन हो गया या फिर मैं कहूँ प्लाज्मा लेमा हो गया एंड देन बात करूँ ये जो अंदर वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा साइटोस्केलेटन कहलाएगा इस साइटोस्केलेटन है ना इसमें लिखा भी पड़ा है जो रिजिडिटी होती है या फ्लेक्सिबिलिटी होती है ठीक है बॉडी की सिलियट्स में तो वो क्या है मेंटेन बाय साइटोस्केलेटन लोकेटेड कहां पे लोकेट होता है तो इमीडिएटली बिलो एकदम जस्ट नीचे आपको क्या है सेल आ, बिलो मिल जाएगा नीचे सेल मेम्ब्रेन के ठीक है वेस्ट टुगेदर इट फॉर्म्स द पेलीकल और जब ये दोनों साथ एक तरह सेल मेम्ब्रेन और ये दोनों क्या फॉर्म करते हैं तो ये पेलीकल फॉर्म करते हैं जस्ट लाइक अ झिल्ली है ना झिल्ली जिसे कहते हैं हम एक परत कहते हैं लेयर कहते हैं तो देन वही हम इसको क्या है पेलिकल भी कह सकते हैं हाँ? यह जो आपका साइटोस्केलेटन एंड क्या है सेल मेम्ब्रेन दोनों मिलकर क्या फॉर्म करते हैं पेलीकल फॉर्म करते हैं ठीक है इतने देर से हम पेलीकल पढ़ते भी आए देन देखिए क्या साइटोस्केलेटन इज कम्पोज बाय द साइटोस्केलेटन आपका किस चीज़ से कंपोज होता है यानी मैं बोलूँ किस चीज़ से बनता है तो उसके अंदर आपको क्या है फिलाेंटोअस प्रोटीन मिल जाएगा जो कि क्या होता है एक्टिन की तरह होता है यानी माइक्रोट्यूबुलस और वेसिकल्स जो हैं वो क्या होते हैं कॉम्बिनेशन होते हैं ऑफ ऑल थ्री क्या बताया मैंने जो आपका फिलामेंटोस प्रोटीन या आप मैं बोलो साइटोस्केलेटन माइक्रोटल एंड वेसिकल्स जो भी हैं ये सारे क्या है कॉम्बिनेशन होते हैं ये तीनों के एंड देन ये जो बना किससे होता है तो प्रोटीन से बना होता है ठीक है एक्टिन की तरह होता है हम बात करें लार्ज नंबर ऑफ प्रोटोजोन्स जो हैं लार्ज नंबर ऑफ प्रोटोजोन यानी जो बहुत बड़ी संख्या है प्रोटोजोन्स की प्रोटोजोस की वो क्या है सेक्रेट करते हैं क्या सर्टेन ऑर्गेनिक मेटेरियल सर्टेन ऑर्गेनिक मेटेरियल कौन कौन से तो आपके क्या हो गए जेलेटिन हो गया जेलेटिन जस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देन बात करें सेल्यूलोज की बात करें तो सेल्यू लोज भी वो क्या करता है एक तरीके से एक्सेक्रेट करता है एक्सक्रीट करता है एंड देन बात करें टैक्टिन भी आपका क्या है वन ऑफ द मेन कॉम्पोनेंट इज सेक्रेटेड बाय द प्रोटोजोन्स ठीक है हम बात करें ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ देयर प्लाज्मा लेमा यानी आउटर सर्फेस जो होता है प्लाज्मा लेमा जहां पे फॉर्म होता है काइंड ऑफ एक्सोस्केलेटन मतलब एक तरीके से हम बात करें साइटोस्केलेटन इसके अंदर का पार्ट हो गया अंदर वाला पार्ट हो गया बाहर वाला जो आपका क्या है प्लाज्मा लेमा है अब प्लाज्मा लेमा के जो ऊपर जो आपका जो नया एक तरीके का लेयर फॉर्म होगा उसे हम क्या कहेंगे एग्जोसकेलेटन कहेंगे क्या कहेंगे गाइज एक तरीके से एग्जोस्केलेटन बाहर का बाहरी ढांचा कह सकते हैं तरीके से बाहरी ढांचा बनाने में हेल्प करता है वो आपका क्या हो गया एक्सोस्केलेटन हो गया तो किस तरीके से फॉर्म होता है मैं बताता हूं आ, सब में नहीं होता लेकिन कुछ जो होते हैं आपको उसमें मिल जाएगा एक्सोस्केलेटन देखिए क्या है सम एक्सक्रीट एंड ऑर्गेनिक मैट्रिक्स क्या है कुछ जो होते हैं आ, क्या कहते हैं प्रोटोजोन्स वो क्या करते हैं एक तरीके से ऑर्गेनिक मैट्रिक्स क्या करते हैं एक्सक्रीट करते हैं यानी एक तरीका फ्लूडी या मैं बोलूँ मैट्रिक्स होता है वो क्या करते हैं कंटेन क्या करते हैं सिलिका कंटेन करते हैं क्या कहे सिलिका कंटेन करते हैं सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट सी ए सी ओ थ्री ठीक है सिल्का एंड कैल्शियम कार्बोनेट क्या करते हैं कंटेन करते हैं और वो क्या होते हैं पार्टिकल्स होते हैं जस्ट अ पार्टिकल ऑफ देयर दिस ऑर्गेनिक मैट्रिक्स एंड देन बात करें फॉरेन बॉडीज जो होते हैं लाइक सैंड पार्टिकल्स यानी जो बाहर में जो आपके मान लीजिए कि ये आपके आपके क्या हो ओशन में हो तो देन जो बाहर में आपके क्या होते हैं सैंड्स वगैरह होते हैं पार्टिकल्स होते हैं तो वो गेट इंटेंगल्ड विद द मैट्रिक्स टू मैट्रिक्सन द एक्सटर्नल लेयर एंड प्रोवाइड द प्रोटेक्शन यानी जो आपके क्या होते हैं ये जो मैट्रिक्स है ये जो मैट्रिक्स है, जो है आ, किसकी बात कर रहा था कौन सी मैट्रिक्स है तो ऑर्गेनिक जो मैट्रिक्स जो रिलीज की जाती है उसमें क्या होता है उसमें जाके जो कि आपका सिलिका एंड सीओ सी ओ थ्री होता है मैट्रिक्स में क्या है जाके एंटेंगल्ड हो जाता है सैंड क्या होता है सैंड क्या हो जाता है एंटेंगल्ड हो जाता है एंटेंगल्ड हो जाता है यानी जाके उसमें घुस जाता है या मैं बोलूं एक तरीके से उसमें चिपक सा जाता है एंड देन वो क्या है एक तरीके से एक्सटर्नल लेयर बना लेता है क्या बना लेता है गाइज एक एक्सटर्नल लेयर बना लेता है एक्सटर्नल लेयर बना लेता है जिसे हम एक्सो स्केलेटन भी कह रहे हैं एक्सटर्नल लेयर बना लेता है और ये एक्सटर्नल लेयर क्या होता है तो ये एक्सटर्नल लेयर प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन क्या है एक्सटर्नल लेयर प्रोवाइड क्या करता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड प्रोटेक्शन ठीक है तो ये प्रोटेक्शन में हेल्पफुल होता है हम बात करें ये जो केमिकल है ऑर्गेनाइज करती है टू फॉर्म ठेका क्या है ये एक तरीके से ठेका भी फॉर्म करता है तो ये ठेका हो गया लॉरिका हो गया और लूज कवरिंग हो गया यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या है कवर्स हैं एक तरीके से ये मैंने बताया जो केमिकल है ये केमिकल क्या होते हैं ये केमिकल्स जैसे कि सिलिका एंड थ्री इसमें जाके सैंड इंटेंगल्ड हो जाते हैं और एक तरीके से एक्सटर्नल लेयर फॉर्म करते हैं और वो एक तरीके से प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन तो यही जो प्रोवाइड प्रोटेक्शन ये मतलब जो ये लेयर है कवर है ये इसमें क्या है तरीके से एक जो अलग अलग शेप में होते हैं ना तो देन एक का नाम हमने ठेका एक का नाम लॉरिका एक का नाम लूज कवरिंग यानी लूज कवर होता है उसका या मैं बोलूं शेल्स आपको जो है मिल जाएंगे ये आपको किस में मिलेंगे तो फॉरमेनि फॉरम आ, uh, क्या है फॉरेमनी फेरन्स जो होके okay, आपके होते हैं फॉरेमनी फेरन्स जो होते हैं उसमें आपको मिल जाएगा सेल्स कहिए या टेस्ट कहिए हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सेल्स कहिए या टेस्ट कही, कही एक ही बात है लूज कांटेक्ट विद द सेल बॉडी यानी जो यहाँ पे लूज कवरिंग वाली जो बात हो रही थी वो जो कवर जो है एक तरीके से जो भी प्रोटोजोन होते हैं उसके ऊपर जब क्या होता है फॉरमेनी फेरन्स जो है उसके ऊपर क्या है लूज कवर होता है एक तरीके से वो क्या होता है uh, uh, जो लूज कवर होता है यानी उसका जो सेल बॉडी के साथ कॉन्टेक्ट प्रॉपरली नहीं होता हैव वन और मोर ओपनिंग थ्रू विच द प्रोटोजोन्स इज एबल टू प्रोटूड सेल और उसमें क्या है बहुत सारे आपको क्या है uh, उसमें आपको ओपनिंग मिल जाएंगे क्या मिल जाएगा ओपनिंग यानी उसमें से आपके क्या है कई जगह से वो क्या है, क्या है? है तो, अपनी बॉडी को बाहर निकाल सकता है ना तो एबल टू प्रोटेक्टेड सेल्फ अपनी बॉडी को बाहर निकाल सकता है एंड देन बात करें हम जैसे कि जस्ट लाइक ए स्नेल देखा होगा आपने आप सभी ने स्नेल देखा होगा इस तरीके से इस तरीके से स्नेल होता है आपका ठीक है इस तरीके से स्नेल होता है है ना इस तरीके से स्नेल होता है ना आपका गाई? तो स्नेल क्या होता है एक जस्ट सेल में होता है है ना ये इसके बाहर वाला जो लेयर होता है जो कि हार्ड सेल होता है उसको हम क्या कहते हैं सेल कहते हैं ना तो जस्ट लाइक बिल्कुल सेम उसी तरीके से सेल होता है इसके अंदर एंड देन क्या है इसके अंदर कई सारे ओपनिंग्स होते हैं जिसके थ्रू वो बाहर निकल के मूवमेंट कर सकता है बात करें हम अदर यूक्रोड्स की तो उसमें क्या है न्यूक्लियस ऑफ द प्रोटोजोन इज द मेम्बर एंड बाउंड एंड मे बी डाइवर्सन ए स्ट्रक्चर मेथड ऑफ डिविजन क्या है जो न्यूक्लियस होगा प्रोटोजोन का इज अ मेम्ब्रेन बाउंड यानी वो क्या होगा मेम्ब्रेन बाउंड हो सकता है मे बी डाइवर्स इन स्ट्रक्चर द मेथड ऑफ डिवीजन क्या होता है जब उसमें जो डिवीजंस के जो मेथड्स होते हैं उसमें जो स्ट्रक्चर होगा उसका क्या है ज्यादा आपको डायवर्सिफाई मिल सकता है यानी उसमें क्या है बहुत ज्यादा विविधताएं मिल सकती हैं हम बात करें टू बेसिक टाइप्स आर फाउंड Uh, मतलब दो बेसिक टाइप के आपको मिल जाएंगे एक होता है वेसिकुलर विथ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ न्यूक्लो एंड अदर कॉम्पैक्ट क्या है एक तो एक होता है आपका वेसिकुलर होता है जो कि क्या होता है कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ न्यूक्लो मिल जाएगा न्यूक्लो आपका क्या होता है तो आप सभी को मालूम होना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूडी लाइक -like मैट्रिक्स होता है वो आपका क्या कहलाता है न्यूक्लो कहलाता है जैसे कि आपका साइटोप्लाज्म होता है न्यूक्लो ठीक है एंड सेल के अंदर जो फ्लूड लाइक मैट्रिक्स होता है वो आपका साइटोप्लाज्म होता है ना तो बिल्कुल इसी तरीके से न्यूक्लो क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर पाया जाना हुआ, वाला फ्लूडी मैट्रिक्स है तो देन बात करें हम अदर क्या होंगे अदर कॉम्पैक्ट होंगे तो देखिए अभी मैं बताता हूँ किस तरीके से कॉम्पैक्ट होंगे एंड किस तरीके से वेसिकुलर होंगे तो देखिए क्या है वेन और मोर देन वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट दे आर यूजअली लाइक एक्सेप्ट क्या होता है जब एक से ज्यादा क्या हो न्यूक्लियस प्रेजेंट हो तो यूजअली किस तरीके से वो दिखेगा तो देखिए जैसे कि सीलियट्स हो गया आपका वेर अ मैसिव कॉम्पैक्ट माइक्रो न्यूक्लियस वेसिकुलर न्यूक्लियस की बात कर रहे थे वेसिकुलर न्यूक्लियस तो वो क्या होता है जिस क्रोमोजोमल uh, मटेरियल जो होते हैं ना क्रोमोजोमल मटेरियल ये न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोजोमल मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं एट इन इनरेगुलर क्लम्पस में होते हैं जो कि लिविंग सम एरियाज क्या होते हैं कुछ एरियाज को छोड़ के रखते हैं जो भी इसमें डीएनए वगैरह जो भी होता है है हाँ, वो क्या होता है कुछ एरियाज को छोड़ के रहता है एंड द न्यूक्लियर क्लियर कंटेनिंग द न्यूक्लियो है और न्यूक्लियर क्या है एक तरीके से न्यूक्लियस जो है एक तरीके से क्लियरलीस यानी इसमें न्यूक्लियो प्लाज्म आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियो प्लाज्म देखने को मिले डीएनए आपके क्या है इरेगुलर क्लम्पस में इधर उधर आपको मिलेंगे ठीक है तो मैसिव कॉम्पैक्ट मैक्रोन्यूक्लियस क्या है

एक्टोप्लाज्म हो जाएगा किसी भी सेल का किसी भी आ, प्रोटोजोन सेल में एंड बाहर वाला क्या हो जाएगा आपका एंडोप्लाज्म हो जाएगा ठीक है हाँ तो एक्टोप्लाज्म आपका किस तरीके से दिखेगा तो वो ट्रांसपेरेंट दिखेगा क्या है ट्रांसपेरेंट दिखेगा जैसे ही उसमें क्या है लाइट माइक्रोस्कोप में अगर हम देखें उसे तो एक तरीके से उसमें ट्रांसपेरेंट सी क्या है आपको दिखेगी एंड द बेस ऑफ द बेस क्या है उसका तो वो एक तरीके से बेस होता है कि इसका फ्लैगला और सीलिया बात करें हम जैसे कि ये क्या है आपका मान लीजिए कि ये पैरामीशियम है पैरामीशियम है तो इसमें क्या है जो सीलिएट्स होंगे सीलियाज होंगे वो सीलियाज क्या होंगे जस्ट ये एंडो प्लाज्मे से ही ग्रो कर रहे होंगे गलत कह दिया गया मैंने हाँ ये एंडो ये होगा ये एंडो होगा और ये एक्ट होगा ठीक है मैंने उल्टा कह दिया था गाइस तो ये एंडो होगा और ये आपका एक्टो होगा तो देखिए गाइस क्या है ये ये वाला जो सीलियट्स है आपका ये सीलिया जो हैं वो कहाँ से आपके निकलेंगे तो ये आपके मिलेंगे एक्टोप्लाज्म से बाहर आते हुए दिखेंगे हम एंडोप्लाज्म की बात करें यानी अंदर वाला जो इसका पार्ट है एंडोप्लाज्म एंडोप्लाज्म में आपका कैसा होगा तो ग्रैनुलर होगा कैसा होगा ग्रैनुलर यानी ग्र, क्या है एक तरीके से आ, खुरदुरा टाइप में आप मैं बोलूँ ग्रैनुलर यानी दानेदार है ना दानेदार इसका अपेन्स अपेरेंस होता है अपेयर दिखता है ये आ, इसका कारण भी है क्योंकि ये क्या है कंटेन्स क्या है आ, क्या क्या कंटेंट करके रखता है तो न्यूक्लियस हो गया आपका क्या है न्यूक्लियस हो गया आपका या फिर आपके हो गया साइटोप्लाज्मिक क्या हो गया साइटोप्लाज्मिक प्लाज्मिक हो गया क्या हो गया ऑर्गेनलेज ऑर्गेन ग्रेनुलिस ठीक है ऑर्गलेस ठीक है तो बहुत सारे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया एंड राइबोसोम लाइसोसोम्स ये सारे जो आपके क्या है ऑर्गलेज uh, होते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गलेज होते हैं एंड न्यूक्लियस होते हैं इसी कारण क्या है कि जो एंडोप्लाज्म है आपको एंडोप्लाज्म क्या है एक तरीके से ग्रेनुलर एपरंस uh, क्या कहते हैं एपरियंस प्रोवाइड कराता है ठीक है हम बात करें एक्टोप्लाज्म तो एक्टोप्लाज्मे से आपको या तो सीलियर सीलिया निकलेगा सीलिया का फॉर्मेशन होगा या फिर आपका एक तरीके से फ्लैगला उसके अंदर से निकल सकता है जैसे कि मैं युग की बात करूँ यूगलेना युगलेना में आपको इस तरीके से सिंगुलर फ्लैगला आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है तो फ्लेगला सिलिया आपका दोनों क्या है एक्टोप्लाज्म से बाहर आता है और एंडोप्लाज्म की बात करें तो जो भी आपका साइटोप्लाज्मिक ऑर्गलेज होता है वो एंडोप्लाज्म के ही अंदर होता है तो किसी को भी दिक्कत नहीं होगी मैं भी यहाँ तक एंड देन एंडोप्लाज्म बता दिया एक्टोप्लाज्म क्या होता है आपका रिजिड uh, होता है एक तरीके से जेल स्टेट में होता है क्या होता है गाइस जेल स्टेट में होता है हम बात करें बाहरी लेयर क्या होती है जेल स्टेट में होता है जो कि कोलाइड वाइल द स्टेट ऑफ कोलाइड कोलाइड यानी एक तरीके से कह सकते हैं कोलाइड सॉल्यूशन के बारे में सुना होगा आपने जैसे कि वैसा सॉल्यूशन क्या है जिसमें क्या कर दें मिल्क और मिल्क का जो सॉल्यूशन होता है या मैं मिलूँ मिल्क वाटर को मिला दें तो उसके आर पार ना दिखे है ना है ना तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है वो कोलाइड होता है वाइल द एंडोप्लाज्म इन द सोल और मोर फ्लूड स्टेट और जो आपका एंडोप्लाज्म होता है जो यानी अंदर वाला जो ये जो आ, क्या होता है मेटेरियल होता है वो क्या होता है या तो सॉल्यू सॉल शौल, यानी सॉल्यूशन के फॉर्म या फिर मोर फ्लूड होता है स्टेट में ठीक है देन uh, यहां पे कुछ पिक्चर भी दे रखा है हम बात करें एक्जो स्केलेटन इन प्रोटोजोन्स की बात करें एक्जो स्केलेटन एंडो एक्सो तो देखिए क्या है एग्जोस्केलेटन यानी बाहर वाला जो परत है लेयर जो फॉर्म होता है किससे फॉर्म होता है तो जो केमिकल्स जो रिलीज करता है जस्ट लाइक सिलिका एंड सी ओ क्या है सिलिका uh, हो गया एंड सी ए सी ओ थ्री मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको किसी भी तरीके से कंफ्यूजन ना हो तो सिलिका और सी थ्री जो वो रिलीज करता है क्रिएट करता है वो क्या करता है ये एक तरीके से जो मैट्रिक्स क्या करता है अपने ऊपर क्या है सैंड इसमें जाके इंटेंगल्ड हो जाता है जब सैंड इंटेंगल्ड हो जाता है

लेयर तो ये आपका क्या कहलाता है गाइज ठेका कहलाता है क्या कहलाता है गाइज ठेका कहलाता है हम बी की बात करें तो यहाँ देखिए यहाँ पहले ठेका की बात कर लेते हैं तो ये जो एपेक्स है ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट एपेक्स हो गया यहाँ पे क्या है बहुत सारे प्लेट्स हैं इस तरीके से ये क्या है प्लेट्स है और ये जो नीचे वाला क्या है Uh, क्या है सल्कस हो गया और यहाँ पे आपको लॉन्गिट्यूडनल फ्लैगलम आपको यहाँ से निकलता हुआ दिख जाएगा ये फ्लैगलम हम क्यों कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल uh, क्या है फ्लैगला है एक तरीके से कह सकते हैं फ्लैगला आपका क्या होता है प्लूरल होता है फ्लैगलम आपका क्या होता है सिंगलर होता है तो ये देखिए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से बाहर जो कि इसको मूवमेंट में हेल्प करता है हम बात करें बी वाला जो स्ट्रक्चर है वो लूज कवर है जो कि लॉरिका इसे क्या कहते हैं लूज कवर जो है ये क्या है लूज कवर है इसके बारे में भी हमने पढ़ा था लूज कवर है तो ये क्या कहलाता है लॉरिका कहलाता है क्या कहलाता है गाइस लॉरिका ये बातों को याद रखिएगा लॉरिका ये क्या है टेक्टेनियस केस ये क्या है आपका टेक्टेनियस केस है आ, ये आपको किस में मिल जाएगा तो ये कॉथरी कौ्थृ... कोथरीना में मिल जाएगा किसमें मिलेगा गाइस कोथरीना में आपको देखने को मिल जाएगा ये जो आपका जो स्पीच ये क्या है कॉथुरीना ठीक है याद रखिये कौथो ना एंड देन बात करें जो लास्ट वाला जो सी है सी का जो ये एक्सोस्केलेटन है जो कि मैंने बताया जो सेंड पार्टिकल्स क्या कर देते हैं इसको एक तरीके से हार्ड कर देते हैं हार्ड सबस्टांस इसके जाके इंटेंगल हो जाते हैं एक चिटने चिटनोवा सेक्रेशन यानी चिटिन एक हार्ड लेयर होती है क्या होती है चिटिन लेयर जो होती है हार्ड लेयर होती है तो वही चिटनोवा सेक्रेशन होने के कारण यानी सी ए सी ओ थ्री का निकलना इसमें से सेक्रेट होना कैल्शियम कार्बोनेट का इसको एक हार्ड शेल प्रोवाइड करती है शेल प्रोवाइड करती है या हम टेस्ट भी कह सकते हैं प्रोवाइड करती है जो कि क्या है एक एक्सोस्केलेटन को फॉर्म करती है क्या करती है एक्सोस्केलेटन फॉर्म करती है आ, ये किस में मिलेगा आपको तो इसका नाम है फॉरम डिफ्लूगिया फॉरम डिफ्लूगिया स्पीसीस का नाम है तो ये देखिए टेस्ट कही या फिर शेल कहिए बात एक ही है एंड बात करें ये मिनरल पार्टिकल इस क्या है ये किससे बनाया है तो मिनरल पार्टिकल से बना है ये जो नीचे वाला पार्ट देखे तो ये सीडोपोड होता है यानी ये, ये फॉल्स फीट है सीडोपोडिया का मतलब फॉल्स फीट ये फॉल्स फीट के थ्रू क्या करता है ये मूवमेंट करता है देन ये आप अच्छे से समझ चुके हैं तो देन हम अब आगे चलते हैं न्यूट्रिशन पे यानी किस तरीके से प्रोटोजोन्स या प्रोटोजुआ क्या करते हैं न्यूट्रिशन अपना टेक करते हैं बात करें ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन अकोर इन प्रोटोजुआ यानी प्रोटोजुआ के अंदर जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं वो आपको क्या है सभी प्रकार के देखने को मिल जाएंगे तो देखिए क्या है सम कुछ जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो सिंथेसिस करते अपना फूड खुद से है ना यानी फ्रॉम इनऑर्गेनिक प्रिकर्सर्स यानी जो इनऑर्गेनिक प्रिकर्सर्स होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया नाइट्रेट्स हो गया या फिर अमोनियम सॉल्ट्स हो गया इनके थ्रू क्या है ये अपना न्यूट्रिशन खुद फ्लो क्या करते हैं प्रिपेयर करते हैं सिंथेसिस करते हैं यानी ये क्या कहलाते हैं हाइड्रोट्रॉप कहलाते हैं जिनके पास क्लोरोफिल बियरिंग फ्लैगलेट्स भी होते हैं है ना अदर्स आर क्या है हैट्रोट्रॉफिक और ज्यादा अदर्स क्या है आपको क्या है हैड्रोट्रॉफिक मिल जाएंगे यानी दे डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक रॉ मेटेरल फ्रॉम द इन्वायरमेंट ऑफ देयर फॉर देयर फूड ठीक है यानी जो भी आपको क्या है इन्वायरमेंट में से क्या है प्रोटोजोन्स को प्रोटोजोन्स को इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक रॉ मेटेरियल अगर मिल जाए तो देन क्या है उससे अपना ये फूड फॉर्म इजिली कर सकते हैं है ठीक है तो इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होंगे या प्रोटोजोन्स होंगे वो क्या कहलाएंगे हाइड्रोट्रॉफिक कहलाएंगे ठीक है याद रखिएगा कि उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा इसलिए वो हेटरोट्रॉफिक कहलाएंगे जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो ऑर्डरट्रॉफिक होते हैं सिंपली आप ऐसा समझ सकते हैं एंड देन हेटरोट्रॉप्स की बात करें तो वैराइड फूड है सॉरी है, आपको क्या है वैराइड फूड हैबिट्स मिल जाएगा यानी इसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी क्या है वेरिएशंस मिल जाएंगी फूड में कि वो मतलब डिफरेंट डिफरेंट फूड या मैं बोलूँ डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज पे वो डिपेंडेंट शो करता है हम बात करें जैसे कि कुछ जो होते हैं वो फीड किस में होते हैं किससे फीड करते हैं तो सॉल्युबल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्या होते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट एंड आर स्पोरोजोइक एंड और टर्मलेसपोरोमोट्रोफिन्स क्या है सैप्रोजोइ सॉरी सैप्रोजोइक एंड ऑस्मो क्या है ऑस्मो कहते हैं वैसे ऑर्गेनिज्म वैसे प्रोटोजोन्स को जो कि अपना न्यूट्रिशन जो है न्यूट्रेंट्स कहाँ से लेते हैं तो सॉल्युबल ऑर्गेनिक न्यूट्रेंट्स से यानी जो आपका मरीन हैबिटेट में या मैं बोलूँ क्या है आ, फ्रेश वाटर में जहाँ भी उसको अगर उसके एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ घुला हुआ ऑर्गेनिक मेटल मिल जाए न्यूट्रेंट मिल जाए तो वो क्या कर लेगा वो इनटेक कर लेगा एंड देन उससे अपना क्या है न्यूट्रेंट्स की कमी को पूरा कर सकता है ठीक है अपने खाने को पूरा कर सकता है एग्जाम्पल की बात करें तो पैरासाइटिक प्रोटोजो होते हैं क्या होते हैं पैरासाइटिक प्रोटोजोआ होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज पे डिपेंडेंट से होते हैं एक तरीके से पैरासाइट्स होते हैं वो क्या मिलेंगे आपको वो इस प्रकार के सेप्रोजोइक या फिर ऑस्मोट्रॉप के थ्रू क्या करते हैं अपना न्यूट्रेंट्स का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं हम बात करें स्टिल अदर्स जो होंगे अदर आपको क्या मिल जाएंगे होलोजोइक मिलेंगे होलोजोइक किस प्रकार से देखिए यहाँ पे जब हम इन सोल की बात कर रहे हैं ना ये सॉरी सोलबल ऑर्गेनिक मेटल की बात कर रहे हैं ना तो यहाँ पे ऑर्गेनिक न्यूट्रंट जो है आपका एक तरीके से आ, कोई वायरस या फिर आ, क्या कहते हैं कोई जीवित ऑर्गेनिज्म नहीं होगा होगा क्या जीवित मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा यहाँ पे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की बात की गई है तो वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कुछ कोई सा भी कंपाउंड होता है जिसके थ्रू वो अपना आ, क्या है फुलफिल कर सकते हैं न्यूट्रेशन का रिक्वायरमेंट हम हॉलोजेक की बात करेंगे तो वो इन्जेस्ट करते हैं यानी रिजिड और सॉलिड ऑर्गेनिक फूड ऑर्गेनिक uh, फूड यानी फेगोट्रॉप्स कहलाते हैं ये क्या कहलाते हैं जो कि डायरेक्ट क्या कर जाते हो निगल लेते हो क्या करते हो गए निगल लेते हो इंजेस्ट कर लेते हो जो कि सॉलिड ऑर्गेनिक फूड हो या उसे क्या कहते हैं फैगोट्रॉप्स कहते हैं डेट इज दे मेड इन इंजेस्ट सॉलिड फूड और प्लांट क्या है वो प्लांट का फूड को भी इंजेस्ट कर सकते हैं या फिर एनिमल ऑर्जिन का भी फूड हो सकता है ठीक है देखिए क्या है दे जो आपका क्या होता है फैगोट्रॉप्स होता है वो किस पे फीड करता है फैगोट्रॉप्स फैगोट्रॉप्स की बात कर रहे हैं पे पे हम किस फीड कर सकता है फैगोट्रॉप तो वो आपका फीड कर सकता है बैक्टीरिया पे फीड कर सकता है वो आपका कर सकता है स्मॉल पे जो छोटे छोटे स्मॉल प्रोटेस्टेंट होते हैं प्रोटेस्ट ठीक है, हो गए, तो इन सब चीजों पे वो क्या करता है एक तरीके से रिलाय करता है एक तरीके से फीड करता है है ना ये जो स्मॉल प्रोटेस्टन्स जैसे कि आप मैं बता दो अमीबा हो गया तो अमीबा आपको क्या है उससे जो छोटे जो प्रोटोजोन्स, यानी ए, क्या कहते हैं पैरामीशियम हो गया पैरामीशियम को ईट करता हुआ आपको दिख जाएगा वो क्या करता है पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिज्म होता है उसी को निगल जाता है इनजस्ट कर जाता है ठीक है वो क्या करता है हॉलोजोइक क्या है मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है हॉलो फूड ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये भी जस्ट अ पार्ट ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ही होता है एंड डाइजेस्ट जैम विद इन फूड वैक्यूल्स और उसको डाइजेस्ट किस तरीके से करता है तो डाइजेस्ट वो जस्ट उनके अंदर जो फूड वैक्यूल्स होता है जैसे कि मैं यहाँ पे अमीबा का स्ट्रक्चर लूँ हूँ अमीवा का तो अमीवा के स्ट्रक्चर में क्या है इसके अंदर मान लीजिए कि फूड वैक्यूल है क्या है ये फूड वैक्यूल है तो फूड वैक्यूल के अंदर ये क्या है पूरा का पूरा फूड वैक्यूल के अंदर जो पूरा का पूरा जो फूड है उसको क्या कर देगा डाइजेस्ट कर देगा ठीक है अब देन देखिए क्या है जो फैगोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाले जो हैं इनवर्स फैगोसाइटोसिस आ, तो वो क्या करते हैं कौन सा प्रोसेस होता है फैगोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इनटेक करने वाले या मैं जिनमें इन्वॉल्व होता है उस उसे क्या वो जो प्रोसेस करते हैं जो वो क्या कहते हैं फूड को आ, क्या करते हैं एक तरीके से कैच करने से लेकर डाइजेस्ट करने तक एंड रिलीज़ सेक्रेट मतलब जो वेस्ट मटेरियल जो है रिलीज करने तक के जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं फैगोसाइटोसिस कहते हैं क्या कहते हैं गए फैगोसाइटोसिस तो देखिए क्या है फैगोसाइटोसिस तो इसमें क्या होता है इनफोल्ड कर लेता है फूड पार्टिकल को जैसे कि ये देखिए सेल ये है? ये सेल है. है. मेम्रेन वो क्या करता है फूड पार्टिकल को इनफोल्ड करने लगता है यानी घेरने लगता है एक तरीके से क्या है घेरने लगता, लगता है पकड़ने लगता है एंड देन जैसे फूड पार्टिकल क्या हो जाता है घिर जाता है इनकल्फ हो जाता है इस तरीके से इस तरीके से इनगल्ड हो जाता है एकदम इनगर्ड हो जाता है गिर जाता है देन उसके बाद क्या है इन अमीबा क्या है फैगोसाइटोसिस अकोर अमीबाज में आपको क्या है फेगोसाइटोसिस होता हुआ दिखेगा क्योंकि हम यहाँ पे एग्जाम्पल अमीबा का ले रहे हैं ना तो अमीबा में आपको फेगोसाइटोसिस देखने को मिलेगा जो प्रोसेस है इन ऑफ फूड है उसी को फेगोसाइटोसिस कहा गया है एनी पॉइंट बाय सराउंडिंग यानी वो किसी भी पॉइंट से वो क्या कर सकता है अपने सराउंड से फूड पार्टिकल को विध सूडोडिया से वो कैरी कर सकता है यानी यहां से, मैं बात कहीं से भी उसका क्या है एक तरीके से माउथ बन जाएगा एंड देन से भी वो क्या सकता है? फूड को इनटेक कर सकता है यहाँ पे कहीं से भी उसका माउथ कोई फिक्स पोजिशन नहीं होता कोई फिक्सड पोजिशन नहीं होता वो किसी भी पॉइंट से अपने फूड को कैरी कर सकता है बाय द मीडियम विद द सूडोपोडिया सीडोपोडिया जो उसके जो फॉल्स फीट होते हैं ये क्या है उसके फॉल्स फीट हैं या मैं बोलूं सूडो पोडिया वो उसके थ्रू क्या कर सकता है अपने न्यूट्रिएंट्स को कैरी कर सकता है न्यूट्रिशन को कैरी कर सकता है देन देखिए हम बात करें फूड पार्टिकल्स की तो फूड पार्टिकल इज़ द इनक्लोज अब फूड पार्टिकल जैसे ही उसके क्या आते है संपर्क में आता है एक तरीके से uh, एक तरीके से कनेक्शन में आता है तो देन क्या है फूड पार्टिकल्स क्या करता है इनक्लोज uh, हो जाता है एंड इंट्रा सेलर मेम्बरन इंट्रा सेलर जो अंदर वाला जो मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है इंट्रा सेलर मेम्बरेन के थ्रू क्या हो जाता है एक तरीके से इनकलोज हो जाता है बंद हो जाता है इस तरीके से इंट्रा सेलर मेम्रेन की जो मैं बात कर रहा हूँ बाउंड वेसिकल्स द फूड वैक्यूल्स यही जो आपका इंट्रा सेलर इसके अंदर आपको क्या है इस तरीके से फूड कैरी कर लिया जाएगा इंट्रा सेलर वेसिकल्स क्या है इंट्रा सेलुलर मैमब्रेन सॉरी इंट्रा मेम्ब्रेन जो है आपका इसको हम फूड वैक्यूल भी कह सकते हैं क्या ये है? फूड वैक्यूल भी है ये इसका जो लेयर हो गया अंदर वाला इंट्राइलर मेम्ब्रेन हो गया एंड ये जो पूरा का पूरा जो पार्ट है ये क्या क्या कहलाएगा 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 फूड क्या गा। क्या क्या गा गा इस? फूड वैक्यूल वैक्यूल भी ठीक है और ऐसे और को हम फैगोसोम भी कहते हैं क्या कहते हैं फैगोट्रॉफ या फिर फैगोसोम हम कहते हैं जो कि क्या है आ, फैगो आ, साइटोसिस के थ्रू अपना फूड को इंटेक करते हैं या फिर होलोजो मीडियम से मतलब डिफरेंट डिफरेंट नाम दे रखे हैं इनको सबका मतलब एक ही है यहाँ पे Uh, बात करें हम फूड इज डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम देन इसके बाद क्या है इसके अंदर जो है एंजाइम्स क्या होती है रिलीज होती है एंजाइम्स रिलीज होती हैं एंड देन एंजाइम्स क्या करती हैं फूड uh, को डाइजेस्ट डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देती हैं फिर डाइजेस्ट कर देती हैं क्या कर देती हैं डाइजेस्ट कर देती है डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद जैसे कि हमारा स्टोमक में जाते ही फूड क्या होता है ये जैसे कि मैं बोलूँ स्टोमक है इस तरीके से स्टोमक है स्टोमक स्टोमक में जाते ही क्या बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होने लगते हैं जस्ट लाइक एस हो गया पैप्सिन हो गया है ना या फिर आपका म्यूकस हो गया ये सारे जो एंजाइम्स क्या करते हैं फूड पार्टिकल्स को तोड़ने का काम करते हैं ना जस्ट लाइक दैट बिल्कुल उसी के तरीके से फूड वैक्यूल के अंदर जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं वो क्या करते हैं फूड न्यूट्रंट्स को डाइजेस्ट करते हैं एंड देन जब डाइजेशन प्रोसेस पूरा हो जाता है अब ये देखिए एंजाइम्स किस में कंटेन होता है तो ये याद रखिएगा लाइजोजोम में ये जो इसके अंदर जो लाइजोजोम्स होते हैं उसके अंदर कंटेन करके रखते हैं एंजाइम एंड अनडाइजेस्टेड जो मेटेरियल होता है जैसे कि मान लीजिए कि इसमें क्या हो गया एक तरीके से फूड इंटेक कर दिया वो अनडाइजेस्टेड मेटेरियल जो है वो क्या है अनडाइजेस्टेड मेटेरियल है उसको बाहर निकालना होता है, है ना तो वो अनडाइजेस्टेड मेटेरियल जो है आपका वो क्या कर देगा मेटल थ्रो आउट फ्रॉम द बॉडी ये इस तरीके से यहाँ पे आते आते इस तरीके से बाहर छोड़ देगा अंडाइजेशन जैसे कि हम एक्सक्रीट करते हैं उसी तरीके से ये भी एक्सक्रीट करते हैं थ्रो नउट फ्रॉम द बॉडी बाय द एक्सोसाइटोसिस ठीक है एंडोसाइटोसिस uh, के थ्रू अंदर लेते हैं एंड एक्सोसाइटोसिस के थ्रू एक क्या कर देते हैं वेस्ट मेटेरियल को वेस्ट मेटेरियल को वेस्ट मेटेरियल को एक्सक्रीट कर देते हैं है ना एक्सक्रीट कर देते हैं ठीक है याद रखिएगा, रखिएगाट्स हाँ। में, 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 में जो कि प्रोटोजोन सिंपली आपका जो है जिनके अंदर क्या है फ्लैगलम पाया जाता है वो प्रोटोजो आप फ्लैगलेट्स कहलाता है एंड देन जिसके पास जो सिलिट सीलियम या मैं बोलो सीलिया जो होता है सीलिया इस तरीके से स्मॉल हेयर लाइक होते हैं वो क्या है आपके सीलेट्स uh, कहलाते हैं ठीक तो uh, है तो एपी कॉम्प्लेक्शन द साइट ऑफ फैगोसाइटोसिस जो एपी कॉम्प्लेक्शन होते हैं उनका जो साइट होता है फैगोसाइटोसिस का उसमें क्या होता है एक डेफिनेट माउथ स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसके को हम क्या कहते हैं साइटोस्टोम भी कहते हैं तो यहां पे पिक्चर देख सकते हैं आप यहां पे देखिए ये जो डेफिनेट माउथ स्ट्रक्चर यहाँ पे इस तरीके से पूरा का पूरा डेफिनेट माउथ स्ट्रक्चर बन जाता है ये देखिए डेफिनेट माउथ डेफिनेट माउथ स्ट्रक्चर बन रखा है यहाँ पे Beast Phantom तो ये क्या कहलाता है आपका ये आपका कहलाता है साइटोस्टोम कहलाता है क्या कहलाता है साइटोस्टोम इसको हम क्या कह सकते हैं साइटो स्टोम कह सकते हैं ठीक है साइटोस्टोम तो ये जैसे ही साइटोस्टोम के पास जैसे ही आता है यहाँ पे ये, ये जो भी कोई फ्लैगलेट हो या फिर मैंने बताया आ, क्या हो सीलेट्स हो इस तरीके से ये इनटेक कर लेता है फूड को एंड देन फूड वैक्यूल के अंदर जाने के बाद ये पूरा प्रॉपरली डाइजेस्ट होने के बाद एक्सक्रीट भी कर दिया जाता है तो फ्लैगलेट्स में हैव टेम्प्री साइटोजोम फ्लैगलेट्स के पास भी आपको क्या है साइटोजोम आपको क्या है टेम्प्ररी साइटोजोम मिल जाएंगे ठीक है आपको एंड देन साइटोजोम साइटोस्टोम कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पे यूजुअली इन अ करेक्टरिस्टिक पोजिशन और द साइटोज में भी परमानेंट स्पेशलाइज स्ट्रक्चर क्या हो सकता है कुछ में आपको क्या है आ, क्या है एक तरीके से टेम्प्ररी भी स्ट्रक्चर हो सकता है करेक्टरिस्टिकली यूजुअली करेक्टरिस्टिक पोजिशन एंड और द मे बी अ परमानेंट भी आपका स्पेशलाइज स्ट्रक्चर भी हो सकता है यानी उसमें जो माउथ जो हो वो उसमें परमानेंट स्ट्रक्चर हो क्योंकि हम अमीबा की बात करें उसमें कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता वो क्या हो एनी साइड से ओपन कर सकता है अपना माउथ एंड इस तरीके से ये क्या है आपका प्रे है प्रेम आपका कुछ भी हो सकता है शिकार को ये प्रिडेटर द्वारा क्या कर लिया जाता है कैरी कर लिया जाता है ठीक है इस तरीके से इंटेक कर लिया जाता है ठीक है और इस तरीके से इंटेक करने के बाद डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ठीक है तो जिन भी हमारे स्टूडेंट्स जो भी हैं बहुतों को शिकायत था कि आ, सर जो है डिटेल में भैया जो है डिटेल में क्या कहते हैं नहीं बताते हैं, तो देन मैं कोशिश करूंगा कि उनका भी क्या है शिकायत को दूर कर सकूं जो है मैं डिटेल में और भी ज़्यादा डिटेल में क्योंकि देखिए इस बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक है अगर मैं ज़्यादा डिटेल में चला भी गया तो आप समझ रहे हो ना कि वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे एंड देन क्या है आपको क्योंकि ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हम प्रीवियस क्लासेस में सीखते हुए हैं है ना तो आप तो मैं वही कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा डिटेल में बता सकूं और कम से कम समय ले सकूं क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा कीमती है पेपर क्लोज आ रहा है चलिए ठीक है कोई बात नहीं हम पूरी कोशिश करेंगे देन बात करें सैप्रो फीडिंग की तो वो मे टेक प्लेस इन पिनोकोसाइट्स क्या है आ, पिन सॉरी पिन साइटोसिस क्या है पिनोसाइटोसिस जो है आपका स्पोरोजोइक जो सॉरी सैप्रोजोइक स्पोरोजोइक बार बार मैं क्या स्पोरोजोइक बोला चलिए सैप्रोजोइक जो है आपका जो फीडिंग जो किया जाता है मैंने बताया जो सॉल्युबल क्या होते हैं आपके सॉल्युबल एलिमेंट्स होते हैं या मैं बोलो सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वाटर में न्यूट्रिएंट्स उसे क्या है एक तरीके से कहाँ पे प्लेस किया जाता है कहाँ पे उसे लिया जाता है तो पिनो पिनोसाइटोसिस होता है उसमें यानी एक्स्ट्रा सेलर जो फ्लूड होता है टेकन इन द सेल बाय इन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन क्या है एक तरीके से जैसे क्या होता है सेल मेंबरेन खुलता है सेल के थ्रू क्या है खुलता नहीं है जस्ट वो क्या है है कर लेता सेल uh, के अंदर एंड देन क्या है उस सेल फ्लू के अंदर उसे मिक्स कर लेता है थ्रू डायरेक्ट डिफ्यूजन क्या है या तो डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू भी हो सकता है या फिर और फैसिलिटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी हो सकता है सोलड्स थ्रू द मेम्ब्रेन यानी जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है अगर मान लीजिए कि कोई भी ये ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोन है उसमें क्या है आपका जो एलिमेंट्स जो है वो कहां से जाएगा हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन मूव करेगा ना हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन मूव करेगा तो डिफ्यूजन आपका क्या हो सकता है डायरेक्ट भी हो सकता है यानी डायरेक्टली हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन वाटर के थ्रू क्या है वो सॉल्युबल न्यूट्रंट क्या है इसके अंदर इनटेक किया जा सकते हैं या फिर क्या हो सकता है आ, मैंने जैसे बताया आ, आपका क्या है सेल इस तरीके से जो ये सेल है ये इनफोल्ड करके अपने ये क्या कहते हैं हैं इनटेक कर सकते फूड या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैंने बता ही दिया हाई कंसेंट्रेशन तू, लो कंसेंट्रेशन की तरह भी वो मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आ, जा सकते हैं ठीक है तो सेप्रोजोइक इस तरीके से फीडिंग करते हैं तो याद रखिएगा है, पिनोसाइसोसिस के अंदर ये प्लेस करते हैं देन बात करें हम ऑटोट्रोफिक प्रोटोजोआस की ये देखिएगा इस हुआ, जो कि अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं तो यूज करते हैं किसका लाइट एनर्जी का यूज करते हैं क्या क्या सिंथेसिस करने के लिए तो उसके जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके थ्रू वो क्या करते हैं अपना फूड सिंथेसिस करते हैं बट दे ऑफन बिकम फैगोट्रॉफिक बट जब वो क्या हो जाते हैं फैगोट्रॉफिक हो जाते हैं या फिर ऑस्मोट्रॉफिक हो जाते हैं क्या हो जाते हैं कहीं फैगोट्रॉफिक हो जाते हैं या फिर ऑस्मोट्रॉफिक हो जाते हैं तो क्या होता है इवन एमोंग दाइट्रोट्रॉफिक प्रोटोज हुआ फ्यू मतलब ये देखिए ऑटोट्रॉफिक प्रोटो जो है वो क्या करता है लाइट एनर्जी का यूज़ करता है अपने आ, क्या कहते हैं फूड को सिंथेसिस करने के लिए आज जब उन्हें क्या करना होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कैरी करना होता है या इंटेक करना होता है क्योंकि भाई ऑर्गेनिक organic... भी तो मोलिकोल्स भी तो चाहिए ये कोई प्लांट या लीव तो नहीं है या फिर उसके अंदर रूट्स तो नहीं है जो कि क्या करते हैं आ, एक तरीके से आ, मिट्टी से या फिर सॉयल से क्या कर सके शक सक कर सके है ना ऐसा तो प्रोसेस नहीं है तो उसको एक दूसरा प्रोसेस अपना अपना पड़ता है जिसको कहते हैं हम फेगोट्रॉफिक क्या करता है फैगोट्रॉफिक के थ्रू आइए मैंने बता दिया फैगोट्रॉप्स क्या होते हैं तो फैगोट्रॉफिक या फिर ऑस्मोट्रॉफिक वो क्या करते हैं डायरेक्ट वाटर से इंटेक कर लेते हैं उससे क्या होता है ऑर्गेनिक मेटेरियल इंटेक करने के बाद इवन एमोंग द ंग दाइ्रोट्रोफिक प्रोटोजोआ अगर बात प्रोटोजोआ में से ही तो कुछ जो क्या है फॉलो करते हैं ओनली वन मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी सिर्फ और सिर्फ एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे ही वो डिपेंडेंट रहते हैं यानी एक्सक्लूसिवली आपको क्या है एक मोड ऑफ सिर्फ वन मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिल जाएगा फॉर एग्जाम्पल यूगलेना की बात करें यहाँ देखिये फॉर एग्जाम्पल इन यूगलेना स्पीसीज देर इज कंसाइडरेबल वराइटी ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी इसमें जो क्या है आ, हाँ ये युगलेना की बात करें तो इसमें क्या है आपको वैरायटी ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मिल जाएगा ठीक है देन बात करें हम सम स्पीशीज रिक्वायर सम परफॉर्म्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इवन थ्रू द ऑडो और कुछ ऐसे होते हैं जो कि रिक्वायर मतलब एक करते हैं एक तरीके से सम परफॉर्म्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी

परमानेंट ऑस्मोट्रॉफ या मैं बोलूँ फैगोट्रॉप बन जाते हैं यानी वाटर बॉडीज पे ही डिपेंडेंट हो जाते हैं ठीक है प्रीडेटर बन जाते हैं ठीक है ऐसा समझ लीजिए वो क्या है आ, या फिर अपने से छोटे जीवों का क्या करते हैं शिकार करते हैं एंड देन उसके बाद वो अपने फूड न्यूट्रेंट्स को फुलफिल करते हैं न्यूट्रिशन मोड न्यूट्रिशन को फुलफिल करते हैं बात करें हम ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन की देखिए Uh, तो देखिए क्या है ऑस्मो रेगुलेशन वाटर और वाटर बैलेंस इन प्रोटोज वाइज ए कम्प्लेट बाय द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स ठीक है तो उसके अंदर जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है वो क्या करता है एक तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन करता है ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब आप समझिए इस तरीके से जो उसके अंदर जो वाटर का प्रेजेंस होता है ना गाइस वाटर का प्रेजेंस होता है क्योंकि वो क्या है एक तरीके से वाटर uh, में ही रहते हैं ये मेनली आपके प्रोटोजोन्स आपके क्या है वाटर में प्रेजेंट होता है तो वाटर के प्रेजेंस को क्या करता है ये रेगुलेट करता है कि ज्यादा इसमें क्या हो जाए वाटर uh, ना हो जाए क्या हो जाए ज्यादा इसमें वाटर ना हो जाए देन उसके बाद क्या होगा ज्यादा वाटर होगा तो सिंपली वो बेकार हो जाएगा रिउंड हो जाएगा खराब हो जाएगा तो देखिए क्या है टू uh, सेवरल uh, कुछ तो ऐसे होते हैं एक या एक से ज्यादा भी आपको उसमें वैक्यूल्स मिल जाएंगे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स यानी ये क्या है कॉन्ट्रैक्ट uh, करने वाले यानी फैलाव करने एक्सपेंड करने वाले वैक्यूल्स जो आपके होते हैं वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं मे बी रिप्रेजेंट विद में और मे नॉट बी फिक्साइट क्या हो सकता है ये किसी ए, क्या होता है सेल में प्रेजेंट हो सकता है मे नॉट बी फिक्स कोईट नहीं होगा साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के अंदर क्या होता है मेनली आपका जनरली आपका साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म होता है सा, साइटो के अंदर आपका कोई फिक्साइट नहीं होगा यहां भी हो सकता है यहां भी प्रेजेंस कर सकता है यहां भी इसका प्रेजेंस हो सकता है कहीं भी हो सकता है ठीक है तो इसी तरीके से क्या है इट मे बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग कैनाल तो इसमें क्या होते हैं कैनाल्स होते हैं कैनाल सिस्टम होता है एक तरीके का मैं अभी आपको दिखाऊंगा या फिर और अदर और ये जो स्ट्रक्चर होते हैं यानी कैनल्स और कॉन्ट्रीब्यूटिव क्या कहते हैं वेसिकल्स जो है ये सारे ये एक तरीके से वाटर आयन को वाटर और आयन को क्या कहते हैं रेगुलेट करने का काम करते हैं एक्टिंग एज अ पम्प क्या करते हैं एक तरीके से पंप की तरह काम करते हैं क्या करते हैं पंप की तरह का, काम करते हैं जो कि एक्सेस वाटर को क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं साइटोप्लाज्म में से है ना एक्सेस ऑफ वाटर को रिमूव कर देते हैं साइटोप्लाज्म से और जो फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स होते हैं हैव अ फंक्शनिंग सिस्टम ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स और जो फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले प्रोटोजोन्स होते हैं वो जो फंक्शन किस तरीके से उनका फंक्शनिंग सिस्टम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का तो देखिए क्या है मरीन और पैरासाइटिक फॉर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं लेस फ्रिक्वेंटली होते हैं यानी लेस फ्रिक्वेंटली उसमें एक तरीके से होता है ये यह देखिए यहाँ पे मैं एक पिक्चर के थ्रू दिखा देता हूं आपको ये देखिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है और यहाँ पे क्या है और ये सारे वेसिकल्स हैं ये वेसिकल्स हैं तो ये वेसिकल्स हो गए या कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टरिक कैनाल्स हो गए ये क्या करते हैं हेल्प करते हैं एक तरीके से वाटर के मॉलिक्यूल्स को एक्सेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को रोकने के लिए ठीक है यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूअल देख लीजिए आ, तो देखो देन एस टू ओ है यहाँ पे आपका इस तरीके से ये एस टू ओ एंटर करता है वेसिकल से या फिर एक्स बाहर भी निकाल लिया जाता है इस तरीके से है ना ये कॉन्ट्रैक्ट टाइल वैक्यूल है देखिए तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एम और रिलीज करता है किस तरीके से वाटर को तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है वैक्यूल्स क्या बनाता है कैनाल बनाता है कैनाल के थ्रू क्या होता है वो वा एक्सेस ऑफ वाटर रिलीज कर देता है मैंने बताया ना कि वो जो रिमूव किस तरीके से करता है वो पंप की तरह काम करता है क्या करता है पंप की तरह काम करता है जो वाटर एंड आयन को एक्सक्रीट करने का काम करता है हम एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेस की बात करें तो इज डन ऑलमोस्ट एक्सक्लूस बाय डिफ्यूजन ठीक ठीक है जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो वाटर है एक्स्ट्रा वाटर किसके थ्रू निकलता है तो ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू निकलता है याद रखिएगा बहुत से बच्चों को नहीं मालूम होगा या एक मिनट ऑस्मो यहां पहले लिख दू मैं ऑस्मो रेगुलेशन रेगुलेशन ठीक है ऑस्मो रेगुलेशन और दूसरा जो आपका एक्सक्रीशन कौन से प्रोसेस होगा तो डिफ्यूजन प्रोसेस होगा तो मुझे कोई बच्चा बताएगा कि एक्सक्रीसन ये सॉरी डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है डिफ्यूजन डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है तो मे भी बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा इस बारे में मैं बता दूं आपको ऑसमोसिस जो होता है वो सिर्फ फ्लूड या फिर लिक्विड जो होता है आपका उसी को क्या करता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जो है आपका फ्लो करवाता है बात करें हम आ, क्या कहते हैं डिफ्यूजन का क्या गाइस डिफ्यूजन प्रोसेस की बात करें तो डिफ्यूजन आपका क्या है आपको तीनों क्या है सॉलिड भी हो गया आपका सॉलिड हो गया या लिक्विड हो गया या फिर कोई सा ही फ्लूड हो गया आपका गैस हो गया गैसिस फ्लूड हो गया हाँ ये तीनों फ्लूड को क्या करता है आपको एक तरीके से मोशन कराता है हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन फ्लो कराता है ठीक है तो मैं बात कर रहा था मेटाबॉलिक वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट में आपका क्या हो सकता है जो फूड है फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट है उसको क्या है एक तरीके से वेस्ट ही होता है ना वो तो उसको बाहर एक्सक्रीट करने में जो मोस्ट ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली वो किसके थ्रू होता है तो डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है ठीक है याद रखिएगा सॉलिड लिक्विड गैस जिस किसी भी तरह का उसके अंदर पार्टिकल प्रेजेंट है उसको वो क्या कर सकता है मेटाबॉलिक वेस्ट uh, को एक्सक्रीट कर सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑल प्रोटोजोन्स आर क्या है एमो एमोनोटेलिक क्या होते हैं ज्यादातर जो प्रोटोजोन्स होते हैं एमोनोटेलिक होते हैं तो एमोनोटेलिक क्या होता है अमोनिया एमोनोटेलिक कुछ थोड़ा सा मिला जुला सा लग रहा है ना तो देखिए क्या होता है जो एंड प्रोडक्ट होता है ना एंड प्रोडक्ट एंड देर उसके जो नाइट्रोजन्स होते हैं क्या होते हैं जो कि नाइट्रोजन के एंड प्रोडक्ट होते हैं यानी मेटाबॉलिज्म जी मेटाबॉलिज्म इज क्या कहलाता है वो अमोनिया कहलाता है क्या कहलाता है अमोनिया ठीक है जैसे कि हमारा यूरिक एसिड होता है हमारा जो एंड प्रोडक्ट एक्सक्रीट प्रोडक्ट जो होता है जो यूरिन के थ्रू निकलता है वो क्या होता है यूरिक एसिड होता है इसी प्रकार से इसमें क्या होता है अमोनिया होता है अमोनिया वो क्या करते हैं अमोनिया रिलीज़ करते हैं विच इज़ रीडली डिफ्यूज इन द सराउंडिंग मीडियम और वो क्या होते हैं रीडली क्या करते हैं वो डिफ्यूज़ कर देते हैं सराउंडिंग मीडियम में ठीक है तो याद रखिएगा एक्सक्रेशन आपका डिफ्यूजन प्रोसेस होता है जो एम आम, एमोनोटेलिक होते हैं एमोनाटेलिक आपके बहुत सारे होते हैं जो कि अमोनिया ही डायरेक्ट रिलीज करते हैं तो वो आपके क्या है एक तरीके से डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं ठीक है बहुत ज़्यादा डीप में मैंने बताया आपको ये बात याद रखिएगा एंड देन बात करें हम द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है मे डिफर इन कॉम्प्लेक्सिटी क्या है आपको उनको क्या है उनके जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो होते हैं सिकुड़ने या फिर मैं बोलूँ एक तरीके से एक्सपेंड होने वाले जो वैक्यूल्स होते हैं वो आपको क्या है अलग अलग मिल जाएंगे अलग अलग उसकी कॉम्प्लेक्सिटी यानी उसमें जो जटिलता होगी वो क्या होगी आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगी वेरियस ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स जो है उसमें आपको ये क्या है अलग अलग तरह के अलग अलग कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे हम अमीबा की बात करें तो अमीबा में जो वैक्यूल्स होते हैं वो कैरीड अराउंड इन द साइटोप्लाज्म वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही कैरी किए जाते हैं वैक्यूल जो होते हैं मान लीजिए अमीबा है तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर आपको क्या मिल जाएगा वैक्यूल मिल जाएगा स्मॉल वेसिकल्स ज्वाइन द एंटिंग देयर कंटेंट स्मॉल वेसिकल्स इसके अंदर क्या होते हैं ज्वाइन होते हैं जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में मैंने दिखाया था आपको स्मॉल वेसिकल्स क्या करते हैं ज्वाइन करके रखते हैं इस तरीके से स्मॉल वेसिकल्स ठीक है ये देखिए ये जो स्मॉल वेसिकल्स हैं ये ना, small vesicles, चोड़े -चोड़े small vesicles है ना स्मॉल वेसिकल्स छोटे छोटे स्मॉल है दानेदार ये जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है स्मॉल वेसिकल्स क्या करते हैं एक तरीके से सेल को एमटिंग करने या मैं बोलूँ खाली करने में क्या मदद करते हैं बाहर की तरफ उसके अंदर जो भी वाटर हो गया उसको क्या है एक्सक्रीट करने में या फिर फूड हो गया उसको बाहर निकालने में मदद करते हैं हम बात करें सीलेट्स की सीलेट्स ये मैंने बता दिया आपको Uh, हाँ सीलेट्स की बात करें नहीं बताया मैंने इसका जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स क्या होता है मोर कॉम्प्लेक्स होगा क्या होगा गाइस मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा सीलेट्स में जैसे कि आपका पैरामीशियम हो गया इसके अंदर जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होगा वो क्या होगा वो ज्यादा आपको क्या मिल जाएगा गाइज uh, मोर कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा क्या मिलेगा गाइस मोर कॉम्प्लेक्स इसके अंदर जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है वो ज्यादा जटिल होता है एंड देन बात करें कॉन्टेक्टाइल कहाँ पे होता है तो वो फिक्स्ड पोजीशन में होगा यानी अगर मैंने बोला ये वाला जो पोजीशन है वो तो वो उसी पोजिशन में रहेगा ठीक है वो पोजिशन में हटेगा जैसे कि आपका क्या है अमीबा में आपका क्या है कोई फिक्स पोजिशन नहीं होता इसी तरीके से आपका सिलेट्स में आपका फिक्स पोजिशन होता है हा? तो देन बात करें एक्सक्रेटरी पोर लीडिंग टू द आउटसाइड सराउंडिंग बाय द एम्पुला और फीडर कैनाल्स क्या है इसमें जो एक्सक्रीट होता है एक्सक्रीटिंग पोर्स जो होते हैं वो लीडिंग टू द आउटसाइड बाहर की तरफ जो लीड कर रहे होते हैं निकाल रहे होते सराउंडेड बाय द एपुला एपुला से वो घिरे हुए होते हैं ऑफ फीडर कैनाल्स जो फीडर कैनाल्स होते हैं ना उसके थ्रू देन देखिए क्या सराउंडिंग बाय नेटवर्क ऑफ ये देखिए एक तरीके से नेटवर्क बना लेते हैं फाइन केनाल्स के या मैं बोलो वेसिकल्स के जो कि 20 नैनोमीटर आपको क्या है डायमीटर में मिल जाएंगे क्या 20 नैनोमीटर इन डायमीटर में मिल जाएंगे आपको जो कि विच आर कनेक्टेड आल्सो कनेक्टेड टू द ट्यूबुलर सिस्टम क्या है एक तरीके से ट्यूबुलर जो सिस्टम है ना आपका उस तरीके से कनेक्ट होते हैं यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको देखने को मिलेंगे देन देखिए क्या है यहाँ पे देखिए फीडर कैनाल किस तरीके का होता है तो ये देखिए ये क्या है आपका ये आपका है फीडर कैनाल ये देख रहे हैं ये फीडर कैनाल है ये आपका सीलियम है ये सीलिया ये सीलिय सीलियम एक सिंगुलर क्या कहते हैं सीलिया को कहते है, हैं सीलिया आपका प्लूरल हो जाता है तो देन देखिए क्या है ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आपका इस तरीके से स्टार टाइप का सन टाइप का दिख रहा है आपका ये ब्लैक वाला जो कलर है ये क्या है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है और पोर्स कहाँ है जो पोर्स की बात कर रहे थे हम तो इस तरीके से यहाँ पे ये पोर्स बनाते हैं देखिए ये क्या है आ, दो सीलियम के बीच में क्या है एक तरह से पोर बनाते हैं कनेक्ट होते हैं एंड देन वो क्या करते हैं रिलीज करते हैं आइए एम्पुला की बात करें तो एम्पुला ऑफ रेडिटिंग कैनाल तो ये देखिए ये एम्पुला ऑफ रेडिटिंग कैनाल ये होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेडिकुलम की बात करें तो ये पूरा ये एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक रेडिकुलम से घिरे होते हैं ठीक है तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है किसमें तो सीलेट्स में होता है किसमें होता है यानी पैरामीशियम में आपको मिल जाएगा देन एम्पला है एम्पला जो सराउंडेड होते हैं किसके बंडल ऑफ फेबर इसमें जो जो एम्पला है ये ये जो बंडल ऑफ फेबरल्स मिल जाएंगे इसमें तो आपको नहीं दिखेंगे वैसे अगर इसको हम और ज्यादा जूम करके देखें जूम क्या मतलब इसका अगर क्या है बहुत ज्यादा हमारा जूम पिक्चर है तो देन उसमें हम क्या है बंडल्स वगैरह देख सकते हैं एंड देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्पला एम्पलाइड द फिलिंग फिलिंग ऑफ ऑफ द द द द वैक्यूल एंड डिस्चार्ज वाटर आउटसाइड एम्पला गेट डिस्कनेक्टेड दस द प्रिवेंट क्या है बैक uh, फ्लो क्या है ये क्या होता है कि जो एम्पुला है उसके अंदर जो भी वाटर वगैरह होता है फिल होता है वैक्यूल के अंदर वो क्या करता है वो डिस्चार्ज किसके किस थ्रू करता है तो इट डिस्चार्जेज द वाटर वेस्ट आउटसाइड वाटर आउटसाइड द एम्पुला गेट डिसकनेक्टेड यह क्या है ये जो एम्पुला आपका क्या है इस तरीके से कनेक्टेड होता है एक्सक्रेटरी पोर के थ्रू एंड जैसे ही क्या होता है इसमें से वाटर जब डिस्चार्ज हो जाता है ये डिस्चार्ज हो जाता है तो ये क्या हो जाता है डिस्कनेक्ट हो जाता है ठीक है बैक फ्लो जो है रुक जाता है क्योंकि भाई अगर इसी तरीके से अगर वो चिपका रहे तो उसमें से बैक फ्लो होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा देन रहे 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 हो। क्या होगा एक एक समय वैसा आएगा जिसमें क्या होगा इसमें वाटर की कमी हो सकती है इसलिए वो क्या हो जाता है एक तरीके से डिस्कनेक्ट कर लेता है खुद को ताकि वो क्या कर सके एक्स्ट्रा लॉस ऑफ वाटर ना कर सके तो पे इन सेक्शन आपका अपने कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल देखा पैरामीशियम में जो कि वो वाटर कलेक्ट करता है और एक्सपेल कर देता है आउटसाइड बाहर की तरफ एक्सपेल कर देता है परफॉर्मिंग ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन तो जो ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन होता है वो किसमें ये क्या के कहते हैं आपका पैरामिशियम किस प्रकार से होता है तो जस्ट इसी टाइप से होता है ठीक है मे भी आप सभी को इस चीज़ समझ में आ गया होगा तो देन देखिए क्या है सेल्फ असाइनमेंट क्वेश्चन है हमारा थ्री तो इसको अभी हमें क्या करना है मैच करना है ठीक है हम अमोनिया की बात कर रहे हैं तो अमोनिया क्या होता है बताइए ये, ये बताइए कौन सा होता है तो सिंपली आपका अमोनिया हो जाएगा आपका एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ प्रोटोजोन्स क्या है एक तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट या हमें बोलो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो होता है वो प्रोटोजोन्स का वो अमोनिया होता है ठीक है अमोनियट्स के बारे में भी हमने पढ़ा था आ, तो ये अमोनिया अमोनिया आपका क्या हो गया वेस्ट प्रोडक्ट हो गया हम बात करें साइटोजोम की बात करें तो साइटोजोम क्या होता है तो माउथ होता है ना याद आ रहा है आपको यहाँ पे कहीं लिखा पड़ा है यहाँ पे आ, एक तरीके से प्रोटोजोआ ऑफ टेन फूड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ नहीं नहीं ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा एक्सक्रीशन क्या होगा गाइज तो ये इसका आंसर होगा ये यही होगा ठीक है एपी कॉम्प्लेक्शन जो होता है वो क्या होता है साइट होता है ना उनका फैगोसाइटोसिस जिससे क्या होता है एंटर करते हैं फूड को है फैगोसाइटोसिस द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ इंजेस्टिंग ऑफ फूड ऑफ क्या है बाय द प्रोटोजोआ है ना प्रोटोजोन्स जो होता है वो इस तरीके से फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू आ uh, क्या करता है कैरी करता है फूड को तो साइटोजोम एक साइट होता है जिसमें क्या करते हैं एक माउथ टाइप स्ट्रक्चर बनाता है जिससे वो फूड को एनफोल्ड करता है एंड देन बात करें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की अमोनिया को हम लगा देंगे पांचवे में दू, दूसरा हम तीसरे में लगा देंगे एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स की बात कर रहे थे तो देखिए क्या है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स जो हो गया आपका वो हेल्प करता है फ्रेश वाटर को सिलेट्स में से एक तरीके से गेट गैटरीड ऑफ एक्सेस वाटर यानी जो एक्सेस वाटर जो उसमें कलेक्ट हो जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है गेट गैटरीड ऑफ एक्सेस वाटर बात करें हम डिफ्यूजन की डिफ्यूजन में आपका कैसे रहिए तो एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलि प्रोटोजन क्या है प्रोटोजोन जो एक्सक्रीट होता है उसमें वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है एक्सक्रेशन होता है वो किसके थ्रू होता है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है एंड देन बात करें फेगोट्रॉप्स का तो ये सिंपली क्या है प्रोटोजोन्स डेट ऑफ टेन दर्फ फूड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल्स क्या है वो प्रोटोजोन जो होते हैं अपने फूड को ऑप्टेन किससे करते हैं तो जो उसमें फूड वैक्यूल फॉर्मेशन होता है उसके थ्रू वो अपने फूड को कैरी करते हैं तो बहुत ही ज्यादा सिंपल आपका क्या था आ, ये फिलिंदा ब्लैंक्स था सॉरी मैचिंग था देन बात करें रेस्पायरेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तो देखिए गाइज रेस्पायरेशन की बात करें इसमें जो श्वसन प्रक्रिया होती है एक तरीके से प्रोसेस होता है रेस्पायरेशन प्रोसेस कैसे होता है हम उसकी बात करते हैं तो देखिए क्या बिकॉज प्रोटोजुआर स्मॉल क्योंकि क्या होते हैं आपके जो प्रोटोजोआ होते हैं वो क्या होते हैं स्मॉल होते हैं साइज़ में उनकी क्या होती है छोटी होती है साइज उनकी वो दे हैवे लार्ज सरफेस एरिया इन प्रोपोर्शन टू दर वॉल्यूम और उनका जो सरफेस एरिया होता है क्या होता है गाइज लार्ज होता है बड़ा होता है जैसे कि अगर हम ऐसे बात करें इस तरीके से ठीक है ये क्या है एक तरीके से मान लीजिए कि प्रोटोजोआ है, क्या है गाए? अमीबा है सॉरी अमीबा है तो इसका जो क्या है आपको लार्ज सरफेस एरिया मिल जाएगा क्या है लार्ज सरफेस एरिया मिल जाएगा साइज भले ही छोटा हो इसका लेकिन यह सरफेस एरिया जो है इसका ये देख रहे हैं सरफेस ये पूरा सरफेस ए लार्ज मिल जाएगा टू द देर वॉल्यूम वॉल्यूम से ज़्यादा इसका क्या मिल जाएगा आपका सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा तो देखिए क्या है दिस फैसिलिट गैस एक्सचेंज विच इन्वॉल्व द एक्वायरिंग ऑक्सीजन ऑफ अ सेलर रेस्पायरेसन एंड एलिमिनेटिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय एज अ अब प्रोडक्ट ठीक है तो वो क्या है यही जो आपका है जो इसका जो लार्ज सरफेस एरिया है इसके थ्रू ही क्या होता है गैस जो है एक्सचेंज करता है विच एनवॉल्व एक्वायरिंग ऑक्सीजन क्या करते हैं ये जो इसका जो लार्ज सरफेस एरिया है वो एक्वायर करता है ऑक्सीजन को इसके बाद इसमें होता है सेलुलर राइस रेस्पायरेशन यानी जो भी इसके अंदर सेलुलर रेस्पायरेशन एनर्जी का फॉर्मेशन होता है देन उसके बाद जब सेलुलर रेस्पायरेशन हो जाता है परफॉर्म वो क्या करता है देन एलिमिनेशन करता है एलिमिनेशन करता है किसका तो कार्बन डाइऑक्साइड का सिंपली जैसे कि ह्यूमन बींग में क्या होता है जो आपका क्या होता है सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स आपका क्या होता है स्टार्च uh, होता है या मैं बोलूँ ग्लूकोज होता है सॉरी ग्लूकोज होता है एंड वो किससे ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो देन क्या होता है इसके बाद आपका क्या होता है एनर्जी फॉर्म होता है ना एनर्जी वगैरह एनर्जी वाटर आपका फॉर्म होता है एनर्जी हो गया वाटर हो गया एंड क्या हो गया गाइस सी टू को एक्सक्रीट करता है है ना सी को एक्सक्रीट करता है तो सेम पहले इसी तरीके से ये आपका प्रोटोजोआ भी आपका इसी प्रकार से एलिमिनेट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है जो कि बाय प्रोडक्ट होता है क्या होता है कि बाय प्रोडक्ट क्या होता है ये इस तरीके से रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं देन उसके बाद बाय कार जो आपका आ, एनर्जी होता है या मैं बोलो सी होता है वो जस्ट बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म ठीक है हम बात करें कुछ जो पैरासिटिक प्रोटोजोन्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं किसमें एनारोबिक अनारोबिक रेस्पायरेशन यानी बिना ऑक्सीजन के वो बिना ऑक्सीजन के हेल्प के वो क्या कर लेते हैं रेस्पायरेशन कर लेते हैं जैसे कि हमने पढ़ा भी था इस चीज़ के बारे में हमने पढ़ा भी था देखिए क्या जो मोनोसिस्ट मोनोसिस्टिस होते हैं एग्जाम्पल हो गया मोनोसिस्टिस उसमें क्या होता है मेटाबोलिक वेस्ट लाइक क्या हो जाता है अमोनिया होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो डिफ्यूज होते हैं आउट ऑफ द ऑर्गेनम बाहर निकल जाते हैं ठीक है ठीक है तो दोनों तरीके का रेस्पायरेशन होता है बात करें हम मैकेनिज्म फॉर रिस्पॉन्स क्या है किस तरीके से वो रिस्पॉन्स करते है? या उसकी स्टिमुली होती है ये देखिए स्टिमुली या मेटाबॉलिक जो होता है मेटाबॉलिज्म जो भी होता है वो किस तरीके से रिस्पॉन्स uh, करता है किस तरीके से प्रतिक्रिया करता है तो प्रोटोजोन्स की बात करें तो उसके पास सेंसिटिव टू मैन स्टिमुली होती है बहुत सारी स्टिमुली होती है जैसे कि आपकी टच हो गई मेटाबॉलिज्म नहीं स्टिमुली मतलब सेंस हो गया आपका ठीक है तो जैसे कि टच हो गया टेम्परेचर चेंजेस हो गया आपका लाइट uh, हो गया या केमिकल हो गया इसके थ्रू वो क्या करता है एक तरीके से उसका एक्टिव हो जाता है एक्टिव हो जाता है देन उसके थ्रू वो क्या करता है रिएक्ट करता है क्या करता है रिएक्ट यानी अगर टच अगर उसमें कोई भी चीज़ टच होती है तो देन उसका स्टेम्युली अदर तरीके से फंक्शन करने लगता है एंड देन टेम्परेचर चेंजेस की बात करें मान लीजिए कि टेम्परेचर में क्या हो इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट होता है तो देन उसमें क्या है आपको प्रोटोजोन uh, में uh, अलग तरह का फंक्शन देखने को मिल सकता है एंड बात करें केमिकल्स ज की बात करें तो उसमें भी आपको क्या है अलग थोड़ा सा इस, इनकी इसकी रिएक्टिविटी आपको दिख सकती है बात करें एग्जैक्ट मैकेनिज्म जो होता है इज नॉट अंडरस्टूड बट अमीबा कैन कॉन्स्टेंटली चेंज प्रोटोप्लाज्मिक मास एंड प्रोटोप्लाज्मिक्ड टू स्टिमुले क्या है बहुत से ऐसे ऐसे मैकेनिज्म है जिनको हम क्या है समझ नहीं सकते या फिर पता भी नहीं चलता हमें लेकिन अमीबा की बात करें मतलब बहुत से हो गए आपके जो प्रोटोजोन्स है उसमें आपको नहीं मिलेगा नहीं मालूम चलेगा कि एग्जैक्ट मैकेनिज्म हो क्या रहा है उसमें है हम नहीं बता सकते लेकिन हम बात करें अमीबा की तो वो कॉन्स्टेंटली क्या है चेंज कर रहा होता है देयर प्रोटोप्लाज्मिक मास उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है प्रोटोप्लाज्म जो आ, वो अपने मास में क्या कर रहा होता है चेंज कर रहा होता है क्या होता है कंटिन्यूसली uh, चेंज कर रहा होता है एंड रिस्पॉन्ड भी करता है स्टिमुली के थ्रू जो उसका सेंस होता है उस रिस्पॉन्स भी करता है एज वेल एज कंडक्ट दैम है और जो कि उससे जो भी कंडक्ट करता है देन बात करें सेलिया और फ्लैगला की वो क्या होते हैं आपके हाईली सेंसिटिव होते टच के यानी टच के हाईली सेंसिटिव होते हैं वन स्पेशल सेंसरी ऑर्ग्लेन फोटो सिंथेटिक फ्लेगलेट इन दी लाइट क्या है आपका जो सबसे स्पेशल कहें uh, जो ऑर्ग्ले होता है सेंसरी ऑर्गले होता है जो कि आपको कहां मिलेगा तो फोटो सिंथेटिक फ्लेगला होता है जिसके फोटो सिंथेटिक करते हैं तो लाइट के सेंसिटिवनेस दिखाता है लाइट के प्रेजेंस में आते ही सेंसिटिव यानी आई स्पॉट जो होते हैं इसमें या स्टिग्मा कहते हैं विच इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द फ्लेगलम कहाँ पे लोकेट होता है तो जस्ट अ बेस जो होता है ना फ्लेगलम uh, का उसमें आपको लोकेटेड आपको दिख जाएगा बात करें स्टिग्मा की तो इज ऑफन द लाइट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ फॉर्म वन साइड। तो जो उसके अंदर जो कप सेडिंग जो होती है एक तरह से लाइट सेडिंग पोर्शन होता है एक तरफ से है ना तो कुछ इस तरीके से मैकेनिज्म होता है रिस्पांस करता है ठीक है मैकेनिज्म फॉर रिस्पांस किसमें प्रोटोजोन्स में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है रिप्रोडक्शन है किस तो प्रकार से रिप्रोडक्शन आपका प्रोटोजोन या प्रोटोजोआ में होता है बात करें असेक्सुअल या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो अकौर होता है दोनों प्रोटोजोआ में होता है क्या है Uh, दोनों तरह का आपको क्या है रिप्रोडक्शन मिल जाएगा अक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलेगा रिप्रोडक्शन भी आपको देखने को मिलेगा देन बात करें द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इज बाइनरी बाइनरी के बारे में तो मैंने तो आपको काफी बार बताया क्या होता है जब एक ऑर्गेनिज्म टूट के क्या हो uh, दो ऑर्गेनिज्म में बदल जाए तो देन वो आपका किस तरीके का फ्यूजन होगा फीजन होगा फीजन का मतलब ही होता है टूटना क्या कह टूटना होता है एक तरीके से ब्रेक होना कहते हैं ब्रेक होना भी कह सकते हैं यानी फीजन अब बाइनरी का मतलब क्या है बाइनरी का मतलब तो यानी क्या क्या होता है? Two. क्या होता है है दो यानी एक क्या क्या हो हो जब दो में, organism में, दो individual में 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 जाए वो आपका क्या कहलाता है बाइनरी फीजन यानी असेक्सुअल गैमेट्स नहीं फॉर्म हो रहा तो यानी असेक्सुअल मेथड हुआ तो देन देखिए क्या है बाइनरी फीजन द न्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस टू न्यूक्लाइड डेट आर डिस्टर्ब डिस्ट्रीब्यूटेड टू

टू सिमिलर साइज इंडिविजुअल और इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूट होता है इस तरीके से दो सिमिलर साइज क्या है इंडिविजुअल में अलग हो जाता है जिसमें कि क्या है आपके जो cytoplasm भी है इसके अंदर जो साइटोप्लाज फ्लू मैट्रिक्स है वो भी क्या हो जाता है प्रॉपरली आधे आधे हाफ हाफ में डिवाइड हो जाता है ठीक है बात करें हम साइटोकाइनेसिस की तो साइटोकाइनेसिस वो ही प्रोसेस है प्रक्रिया है जिसमें क्या होते हैं कि सेल जो होते हैं क्या होते हैं सेल अंदर जो भी सेल ऑर्गेज होते हैं चाहे राइबोसोम्स हो माइटोकॉन्ड्रिया हो लाइसोसोम हो या न्यूक्लियस हो जितने भी प्रकार के आपको क्या है ऑर्गेले मिल जाएंगे ऑर्गे ऑर्गेनले वो सारे क्या है एक क्या कर लेंगे एक तरीके से कार्बन कॉपी है मैं बोलूँ एक तरीके से कॉपीज बना लेंगे क्या बना लेंगे गाइज एक एक की कॉपी बना लेंगे ठीक है जैसे कि एक लाइवम है तो एक और लाइव बना लेगा एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो एक और माइटोकॉन्ड्रिया बना लेगा तो इस तरीके से क्या कर लेते हैं डुप्लीकेट बना लेते हैं क्या बना लेते गाइज

वर्स ट्रांसवर्स डिवीजन, डिवीजन डिवीजन कहलाएगा ठीक है यहां पे देख लीजिए सेल डिवीजन किसे ट्रांसवर या फिर लॉन्गिट्यूडनल आपका हो सकता है अदर फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर बडिंग एक आपका बडिंग भी होता है जैसे कि आपका ईस्ट में आपको देखने को मिलता है लेकिन हम बात करें ईस्ट की नहीं बात करें हम प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ में भी क्या है एक तरीके से बर्ड का इस तरीके से फॉर्मेशन होता है एक तरीके से जैसे ही क्या होता है ये बर्ड जो है आपका क्या होता है uh, एक तरीके से मैच्योर हो जाता है तो वो पेरेंट सेल से क्या हो जाता है अलग हो जाता है तो ड्यूरिंग विच द माइटोसिस इज़ फॉलोड बाय द फॉर्मेशन जितने भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो माइटोसिस प्रोसेस से होते हैं तो देखिए क्या माइटोसिस के थ्रू वो क्या कहते हैं फॉर्मेशन करते हैं मच स्मॉलर एंड इंडिविजुअल देन द पेरेंट सेल और जो कि क्या होते हैं बहुत ही ज्यादा पेरेंट सेल से छोटे होते हैं मैंने बताया जो कि आपका मडिंग होता है वो स्मॉलर एंड इंडिविजुल बनते हैं जब मैच्योर होते हैं वो पेरेंट सेल से अलग हो जाते हैं ना तो देन उसी की तरह क्या है पेरेंट सेल से वो काफी छोटे होते हैं एक होता है आपका मल्टीपल फ्यूजन भी होता है मल्टीपल फ्यूजन फ्यूजन है फ्यूजन तो आपका जुड़ना होता है फ्यूजन मतलब टूटना होता है तो फ्यूजन जो है मल्टीपल फ्यूजन की बात करें हम तो मल्टीपल फ्यूज फ्यूजन आपका क्या है प्लाज्मोडियम में आपको दिख जाता है इस तरीके से छोटे 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 आपको क्या है इंडिविजुअल्स फॉर्म होते हैं इस तरीके से और जैसे ही आ, क्या होता है एक तरीके से आ, ये आपका जब आ, फेवरेबल कंडीशन होता है देन ये क्या होता है ब्रेक करके इसमें बहुत सारे फॉर्मे रिलीज कर देता है ठीक है डाउटर सेल्स को रिलीज कर देता है नहीं फेवरेबल कंडीशन की जरूरत नहीं है इसका प्रोसेस कुछ अलग होता है जो कि मैंने बताया था आपको गोनी भी कहते हैं इसको क्या कहते हैं गए सीजोगोनी कहते हैं अकोर वैन अ लार्ज नंबर ऑफ डॉटर सेल्स क्या हो जाते हैं अलग हो जाए मल्टीपल एक होता है आपका बाइनरी होता है एक होता है आपका क्या होता है गए मल्टीपल होता है एक होता है मल्टीपल याद रखिएगा बाइनरी और एक होता है, है, है मल्टीपल ठीक है बाइनरी पूछा जाए तो बता दीजिएगा एग्जाम्पल ये अमीबा में आपका हो जाता है एंड मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल आपका क्या है आपका प्लाज्मोडियम या प्लाज्मोडियल सेल में आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो एक तरीके से थाउजेंड्स ऑफ क्या होते हैं नंबर ऑफ डॉडर सेल्स इसमें रिलीज एक तरीके से फॉर्मेशन होता है हाँ, डिविजन प्रोसेस से सिंगल प्रोटोजोन से आपको क्या बहुत सारे इंडिविजुअल्स आपको मिल जाएंगे जो प्रोसेस होता है आपका जो मल्टीपल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होता है क्या होता है मल्टीपल माइटोटिक यानी उसके अंदर जो माइटोसिस जो भी होता है न्यूक्लियर का जो डिवीजन होता है वो बहुत ही ज्यादा मल्टीपल स्केल पे होता है क्या होता है मल्टीपल स्केल पे होता है टेक प्लेस द मैच्योर इंडिविजुअल जो कि आपका एक मैच्योर इंडिविजुअल होता है उसी के अंदर आपको क्या है ये वाला प्रोसेस जो है मल्टीपल फीजन या फिर सीजोग वाला जो प्रोसेस है ये आपको अकोर होता हुआ

मलेरियल हो गया मलेरियल पैरासाइट हो गया प्लाज्मोडियम हो गया इसमें आपको क्या है आपको इस तरह का मल्टीपल फ्यूजन फ्यूजन देखने को मिलेगा मैंने एक न्यूक्लियस डिफरेंट न्यूक्लाई में डिवाइड डिवाइडे एंड देन डिफरेंट न्यूक्लाई जो है एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस में डेवलप हो जाएंगे इस न्यूक्लियस में डेवलप होने के बाद एक न्यू सेल फॉर्म कर लेते हैं हम बात कर रहे थे ट्रांसवर्स एंड लॉन्गे की बात कर रहे थे तो देखिए गाइज ये क्या है ये जो पहला है यूग लेना है ये वाला ये गाइज ये यूग लेना है यूगलेना ये प्रोटोजोन है आपका जो कि एक तरीके से इसमें क्या हो रहा है लॉन्गेटनल देखिए बीचो बीस से इसमें क्या हो रहा है डिवीजन हो रहा है क्या हो रहा है गाइस डिवीजन बीच बीच हो रहा है तो ये क्या है एक तरीके से लॉन्गेटनल डिवीजन है क्या है फीजन है है ना लॉन्गेटनल एंड देन बात करें uh, बात कर रहा था मैं ट्रांसवर्स की तो ट्रांसवर आपको किस तरीके से पैरामीशियम में दिख जाएगा वेयर द सेल डिवीजन इज ट्रांसवर्स इस तरीके से पैरामीशियम में किस तरीके अपोजिट क्या है इस तरीके से इस तरीके से इसमें क्या है ट्रांसवर्सली आपको क्या है डिवीज़न देखने को मिल जाता है हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आ, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है अभी हमने असेक्सुअल रिपोडक्शन के बारे में बात कराए सेक्सुअल रिपोडक्शन कैसे होता है तो देखिए सेक्सुअल रिपोडक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स यानी उसमें क्या है गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है बाय द मियोटिक न्यूक्लियर डिवीजन यानी मियोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होता है जो कि कुछ ही प्रोटोजोन्स में आपका होता है डेट फ्यूज एंड अनादर गैमेट जो कि फ्यूज होता है अनादर गैमेट के थ्रू फ्यूज हो जाता है और एक तरीके से जयगॉट का फॉर्मेशन करता है ठीक है दो क्या होते हैं गैमेट आपस में फ्यूज होके एक क्या बनाता है जयगोर्ड बनाता है गाइस इस तरीके से जयगोड बनाता है और जयगोड जो है रिस्टोर करता है द डायप्लॉइडो क्रोमोजोम जो डायप्लॉयड क्रोमोजोम इस पे क्रोमोसोम्स होते हैं इस पे क्रोमोसोम्स होते हैं और ये सारे क्या है, है ये क्या है है ये है ये यह है और जब ये दोनों जब ये एन एन इस तरीके से इसका, एक क्रोमोजोम, इसका एक, एक क्रोमोजोम जब जब फ्यूजन होता है फ्यूजन के बाद आपका क्या हो हो जाता है? जाते हैं। यानी हो जाते हैं। है, तो यही चीज बताया गया है यहाँ पे बात करें इन सम ग्रुप डेट द फर्स्ट डिविजन आफ्टर जैगोड फॉर्मेशन इज म्यूटिक रिजल्टिंग इनप्लॉइड इंडिविजुअल क्या है कुछ जो ऐसे होते हैं ग्रुप जिसमें जो पहला डिवीजन होता है वो किसके बाद होता है आफ्टर जायगोट फॉर्मेशन

क्योंकि जब ये जयगोट होता है तो वो डायप्लॉड होता है एंड देन बात करें जब ऑर्गेनिज्म बनता है तो वो हैप्लॉयड हो जाता है वापस से हैप्लाइड हो जाता है देन वापस से हैप्लॉयड होने के बाद दोबारा से जो कंटिन्यू प्रोसेस जो चलता है माइटोटिकली दोबारा से फिर वो हैप्लॉयड गेमट प्रोड्यूस करते हैं देन उसके बाद दोबारा से क्या होता है फ्यूजन uh, होता है देन उसके बाद नेक्स्ट जैगोट का भी फॉर्मेशन होता है हम बात करें सिलियट्स की बात करें तो सिलियट्स में क्या है कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स होते हैं स्पेशल अरेंजमेंट देखने को मिल जाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कि आपका क्या कहलाता है कंजुगेशन कहलाता है क्या कहलाता है कंजुगेशन कंजुगेशन हमने बॉटनी में भी पढ़ा है बॉटनी में हमने बैक्टीरिया में किस तरीके से कंजुगेशन हो गया सिस्ट फॉर्मेशन हो गया इन के बारे में हमने पढ़ रखा है तो कंजुगेशन किस तरीके से होता है देखिए तो जनरल फीचर क्या है इनका तो कैन बी सीन इन द पैरामीशियम पैरामीशियम एसपी में आपको देखने को मिलता जाएगा हाँ सिलेट जो है सिलेट्स आपका कौन सा सिलेट तो पैरामीसियम एस पी है विच हैज़ वन माइक्रोन्यूक्लियस आपका सिंपली एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है हमने जो बैक्टीरिया पढ़ा था बॉटनी में तो उसमें क्या होता था एक प्लास्टिड होता था प्लास्टिड नहीं प्लाज्मिड होता था एंड एक क्या होता था प्रॉपर न्यूक्लियस एक तरीके से डी होता था है ना हाँ तो तो उसी तरीके से इसमें क्या है एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है और इसमें एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है दोनों क्या होते हैं इंडिविजुअल रेडी होते हैं फॉर कंजुगेशन के लिए यूनाइट होने के लिए पॉइंट वेरा साइटो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज तो एक तरीके से क्या है साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनाते हैं फॉर्म्स ए यहाँ पे देखिए यहाँ पे पिक्चर के थ्रू समझाया गया है तो देखिए क्या है एक तरीके से ये क्या बनाते हैं आपस में ये देखिए इस तरीके से ब्रिज बनाते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनाते हैं और वो आपस में क्या करते हैं एक तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसे तब आपको सही से दिखेगा हाँ तो देखिए इस ये जो माइक्रो न्यूक्लियस है माइक्रो न्यूक्लियस जो भी है ये आपस में एक तरीके से मतलब ये जो दो दोनों इंडिविजुअल है वो आपस में एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज फॉर्मेशन करते हैं ये ए वाला जो आपको दिख रहा होगा एंड देन जो माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं वो डिस हो जाता है यानी माइक्रो न्यूक्लियस बड़े वाले न्यूक्लियस ये आपस में टूट जाते हैं इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से माइक्रो न्यूक्लियस के साथ साथ माइक्रो न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाता है टॉइस टू फोर हैप्लॉयड न्यूक्लाई बना लेते हैं यानी ये जो न्यूक्लाई दिख रहे हैं माइक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लाई जो है ये आपके क्या है फोर न्यूक्लाई बना लेते हैं आपस में ये जो बी जो आप देख रहे हैं ये कंजुगेशन प्रोसेस है गाइस समझिए तो देन क्या है ये जो आ, क्या है थ्री ऑफ दीस डिसइंटीग्रेट एंड द फोर्थ वन डिवाइड अगेन सी क्या है एक तरीके से वापस से क्या है ये इंटीग्रेट कर जाते हैं ये देखिए ये जो आपके थ्री ऑफ दीस डिसइंटीग्रेट एंड द फोर्थ वंस डिवाइड अगेन जो चौथा होता है वो वापस से क्या कर जाता है डिवाइड कर जाता है आ, ये देखिए कुछ इस तरीके से आ, इस तरीके से यहाँ पे सी वाला जो दिखा रखा हाँ तो ये क्या है माइक्रोन्यूक्लियस इंटीग्रेट एंडक्लियस एंड द है देन क्या स्टेबल प्रो न्यूक्लियस फीमेल जो इसके में स्टेबल जो न्यूक्लियस होता है प्रो न्यूक्लियस वो फीमेल होता है क्या होता है फीमेल होता है एंड जो माइग्रेटरी प्रो न्यूक्लियस होता है वो मेल होता है सिंपली आप देखोगे जो मेल क्रोमोसोम या बोलो मेल uh, जो गैमेट सेल होता है एक तरीके से वो क्या होता है एक तरीके से क्या होता है माइग्रेटरी होता है है ना देन देखिए क्या है माइग्रेटरी प्रोन्यूक्लाई ई एक्सचेंज क्या है दोनों ये आपस में एक्सचेंज कर जाते हैं ये देखिए जो आपके न्यूक्लाई होते हैं माइक्रो न्यूक्लाई क्या रखा है ना इसमें नहीं प्रो न्यूक्लाई है जो है एक्सचेंज हो जाते हैं कौन से प्रो न्यूक्लाई तो मेल वाले एक्सचेंज हो जाते हैं और जो आपका फीमेल वाला वो सही रहता है एक जगह पे फिक्स रहता है ठीक है द कंजुगेट सेपरेट एंड द प्रो न्यूक्स टू फॉर्म फॉर्मआउ इन इच इंडिविजुअल ठीक है और इसी के अंदर क्या है इंडिविजुअल के ही अंदर क्या है zygote का फॉर्मेशन करता है इस तरीके से ई वाला पिक्चर देख रहे हैं तो इस तरीके से आपस में फ्यूजन होने के बाद एक्सचेंज होने के बाद यहाँ पे इंडिविजुअल फॉर्म करता है देन देखिए आफ्टर सेवरल पोस्ट कंजुगेशन मतलब कंजुगेशन से पहले वाला जो डिविजन होने के बाद फोर डाउटर सेल्स क्या होते हैं फॉर्म होते हैं ईच एक्स कंजुगेट एफ एंड जी ये देखिए एफ एंड जी में आपको दिखा रहा है ये एक्स कंजुगेट यानी कंजुगेशन के बाद आपको इस तरीके से फोर न्यूक्लाई या डॉक्टर सेल्स आपको देखने को सेल्स हैव वन हैो न्यूक्लियस यानी एक माइक्रो न्यूक्लियस और एक माइक्रो न्यूक्लियस देखने को मिलेगा रिस्टोर द नॉर्मल न्यूक्लियर कॉम्प्लीमेंट इन ईच सेल और एक तरीके से रिस्टोर करते नॉर्मल न्यूक्लियर कॉम्प्लीमेंट जो भी होता है उसका एक तरीके से वो वापस उसके अंदर देखने को मिल जाएगा ये किसमें तो आ, ये देखिए पैरामेसियम कोडेटम है ना ये इस तरीके से कॉन्जोगेशन स्टेजेस हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट तो ये याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा मेन टॉपिक है देन बात करें हम एस ए क्यू फोर की तो एस ए क्यू फोर में आपका क्या है करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है ठीक है गाईस? तो ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा ईजी है तो बताते हैं देखिए ये दे ये जो है आपका Uh, क्या पूछ रहा है इसमें बाइनरी रिजल्ट ऑफ इन टू माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पूछ रहा है बाइनरी रिजल्ट इन टू सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया से आ डॉक्टर सेल्स डेट आर अनइक्वल इन साइज एंड स्मॉलर देन द पेरेंट सेल बाइनरी फीजन जो होता है एक तरीके से रिजल्ट होता है किसका तो दो डॉटर सेल्स जो होते हैं ना है ना डेट आर अनइक्वल साइज यानी अनइक्वल साइज के आपके दो डॉटर सेल्स होते हैं वो क्या कहते हैं स्मॉलर देन द पेरेंट सेल क्या ये सही है या गलत है करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट तो सही करना है इसको तो एक तरीके से बात करें इसमें फिर से एक बार पढ़ते हैं बाइनरी फ्यूजन रिजल्ट्स एन टू डॉटर सेल्स बाइनरी फ्यूजन जो होता है किसका रिजल्ट होता है तो टू डॉटर सेल का होता है डेट आर अन एक एंड द स्मॉलर देन द पेरेंट सेल तो ये देखिए गाइज गलत है इसमें गलत क्या है uh, जो इसमें होता है इक्वल साइज के क्या होते हैं जो प्रोड्यूस होता है क्या होता है जो डॉटर सेल से टू डॉटर सेल से प्रोड्यूस होता है टू डॉटर सेल फॉर्म करता है बाइनर फ्यूजन के बाद तो वो क्या होता है इक्वल साइज होता है क्या होता है गाइस इक्वल साइज होता है इक्वल साइज के दो डॉटर सेल को फॉर्म करते हैं एंड स्मॉलर होता है स्मॉलर देन द पेरेंट सेल नहीं हाँ स्मॉलर देन द ये तो सही है स्मॉलर होता है पेरेंट सेल से स्मॉलर होता है देन दूसरा लिखा है कंजुगेशन गिव राइज टू हैप्लॉयड इंडिविजुअल कंजुगेशन जो है एक तरीके से राइज करता है एक तरीके से हैप्लॉयड इंडिविजुअल जो है उसको आ, एक तरीके से का राइज करता है ना बनाता है तो ये क्या सही है, गलत है? तो देखे है नहीं कंजुगेशन एक से बनाता है, क्या बनाता है, है? इस तरीके से बनाता है. यहाँ पे जो देख रहे होंगे आप यहाँ पे डायप्लॉयड न्यूक्लियस बनाएगा ठीक है इंडिविजुअल बनाएगा एंड बात करें हम रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन ऑल प्रोडोजन एक्सेप्ट क्या ये सही है रिप्रोडक्शन सब में प्लेस करता है सिर्फ और सिर्फ सिलेट्स को छोड़ दे तो तो इसमें होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन सम सिलिएट्स क्या होगा इन ऑल नहीं सम प्रोटोजोन्स में सॉरी कुछ ही प्रोटोजोन्स में आपको क्या है एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा एक्सेप्ट सिलिएट्स की बात करें तो सिलिएट्स में आपको क्या देखने को मिलेगा तो गाइस सिलिएट्स में आपको क्या मिलेगा कंजुगेशन uh, मिलेगा इन सिलिएट्स एक्सेप्ट इसको हटा दीजिए इन सिलिएट्स क्या मिलेगा आपको तो इट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड कंजुगेशन क्या होगा गाइस कंजुगेशन अभी हमने जो देखा सीलेट यानी पैरामिशियम है इसमें आपको किस तरीके दिखेगा तो कंजुगेशन के थ्रू ये क्या करते हैं एक तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बात करें ऑल हैव अ लाइट स्टिग्मा सेंसिटिव स्टिग्मा क्या सभी तो क्या है प्रोटोजोन्स के पास लाइट सेंसिटिव स्टिग्मा होते हैं तो नहीं ऐसा नहीं होता ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होते हैं ओनली ओनली होंगे गाइज यूगलेनोइड प्रोटोजोन्स में ही होते हैं प्रोटोजोन्स में ही आपके क्या होते हैं ये ऑल में नहीं होते प्रोटोजोन्स में ही होते हैं प्रोटोजोन्स ठीक है एंड क्या लिखा है सीजोगोनी इज द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल इन द और माइटो क्या है माइटोटिक डिवीजन तो सीजोगोनी जो होता है आपका जो फॉर्मेशन करता है टू डॉटर सेल्स का इन सीलेट्स आफ्टर मोटिक डिवीजन तो ये देखिए इसमें क्या होगा सीजोगोनी द फॉर्मेशन ऑफ लार्जर नंबर ऑफ सेल देखिए ये एक चीज गलत लिखा है टू डॉटर सेल्स तो आपका बाइनरी फ्यूजन में होता है इसमें क्या होता है मल्टीपल फ्यूजन या फिर सीजोगोनी कहिए तो इसमें क्या होता दो है दो डॉटर सेल नहीं यहाँ पे क्या हो गए लार्ज नंबर ऑफ डॉटर सेल्स को फॉर्म करता है क्या है यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ डॉटर सेल लिख देना लार्ज नंबर ऑफ डॉटर सेल लिख देना ठीक है एंड आफ्टर म्योटिक डिवीजन तो क्या है ये आफ्टर म्योटिक डिवीजन में आपको मिलेगा नहीं ये आपको क्या मिलेगा माइटोटिक क्या है म्योटिक नहीं होगा ये माइटोटिक डिवीजन के बाद मिलेगा ठीक है माइटोटिक याद रखिएगा माइटोटिक किसमें सिंगल प्रोटोजोन्स में क्या है एक ही प्रोटोजोन माइटोटिक डिवीजन किसमें मिलेगा डिवीजन इन सिंगल प्रोटोजोन ठीक है एक प्रोटोजोन में जैसे कि प्लाज्मोडियम की बात कर रहे थे हम हाँ। तो ये आपको क्या है सिंगल प्रोटोजोन है माइट्रोटिक डिवीजन के थ्रू इसमें आपको मिलेगा जैसे कि आपका एपी कॉम्प्लेक्शन हो गया एपी कॉम्प्लेक्शन एपी कॉम्प्लेक्शन या फिर पैरासाइट भी कह सकते हैं एपी कॉम्प्लेक्शन या फिर पैरासाइट ऑफ मलेरिया भी कह सकते हैं है ना पैरासाइट ऑफ मलेरिया ठीक है मलेरिया भी कह सकते हैं ठीक है तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर देन इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है लोको मोशन लोको मोशन किस तरीके से होता है प्रोटोजोन्स में तो इसके बारे में हम करेंगे डिफरेंट वीडियो में यानी अलग वीडियो में ये हमारा थर्ड पार्ट था तो अब हम इसका जो डिस्कस है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे गाइज नेक्स्ट पार्ट जो हमारा रहेगा उसमें हम लोकोमोशन के बारे में पढ़ेंगे कि लोकोमोशन किस तरीके से होता है ये जो है टॉपिक बहुत ही ज़्यादा छोटा रहने वाला चाहता तो मैं इस वीडियो में भी कवर करा सकता था आपके लेकिन ये वीडियो जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है इस कारण मैं ये वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पेश करूँ वो लास्ट पार्ट हमारा होगा इस वीडियो का देन आशा करता हूँ कि आप सभी को गाई बहुत ही ज़्यादा वीडियो पसंद आई होगी तो जिन जिन को पसंद आई वो लाइक तो करके ही जाइए क्योंकि लाइक करिएगा तो हमारी क्या है और भी ज़्यादा रिच बढ़ेगी आप जैसे लोगों के पास क्या है हमारा वीडियो पहुंचेगा ठीक है तो फटाफट जाइए वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड देन क्या है बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली जो भी एक्सक्लूसिव वीडियो होगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी एंड देन आपको इसमें से किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह के बता सकते हैं एंड देन आपको किसी प्रकार की क्वेरी हो वो भी आप बता सकते हैं एंड देन आपको क्या करना है इस वीडियो को शेयर करना है फैला देना है क्योंकि एग्जाम का समय चल रहा है आप अपने दोस्तों का मित्रों का सबका हेल्प करेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा क्योंकि मैं आपकी जैसे हेल्प कर रहा हूँ जैसे वैसे आपको भी क्या है सभी की हेल्प करनी है और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है चलिए थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक, तक के लिए बाय